यस, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जिसका बैच चल रहा है, जो भी जब लेक्चर देख रहा है, कैसे हो सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे और जो आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वो आप रिवाइज करके आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है करके, ठीक है? अब मैं पता नहीं मैं सही मानता हूँ या गलत मानता हूँ, आप लोग रिवाइज करके आते हो या नहीं, आई डोंट नो करके, ठीक है? बट मेरा एडवाइस ये रहेगा, आप रिवाइज करके आया करो। चलो, रिवाइज करके आए हो या नहीं आए हो, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ जो मैंने पढ़ाया वो सब। एक बार जितना भी आपको कैपिटल गेन में पढ़ाया उसको फटाफट रिवाइज करते हैं और उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आगे आपको मिलने वाली है करके, ठीक है? एंड टुमारो लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद द गिफ्ट वाला पार्ट, जो 56-10 है। गिफ्ट पे टैक्स लगता है, क्यों लगता है, हाउ पीपल कन्वर्ट ब्लैक इंटू व्हाइट थ्रू गिफ्ट एंड ऑल दैट थिंग, व्हाइट इंटू ब्लैक थ्रू गिफ्ट, जो भी है ब्लैक एंड व्हाइट कैसे कन्वर्ट करते थे, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक जो पढ़ा उसको अपन पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा। ओके गाइस, सो वी स्टार्टेड विद द कैपिटल गेन टॉपिक एंड दिस कैपिटल गेन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस एज वेल एज योर प्रैक्टिकल लाइफ। अब एक बात समझना, कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन है वो कौन सी है, सेक्शन 45(1). कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 45(1). 45(1) क्या बोलती थी, 45(1) ये बोलती थी कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। मतलब जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उसी ईयर में टैक्स लगेगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल असेट? सो कैपिटल असेट का डेफिनेशन दे रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, और 2 क्लॉज 14 क्या बोलता है बताए, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मींस मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, एज वेल एज द एफआईआई जो सिक्योरिटी हेल्ड करती है, इट इज ऑलवेज अ कैपिटल असेट। लेकिन कैपिटल असेट में से चार चीजें अलग हो जाएगी। वन इज द स्टॉक इन ट्रेड, सेकेंड इज अ मूवेबल पर्सनल असेट बट एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। उसके बाद में रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, गोल्ड बॉन्ड्स 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये कैपिटल असेट नहीं है। उसके बाद में वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या क्या आएगा, सेल आएगा, एक्सचेंज आएगा, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, If possession is transfer, it is treated as transfer, and in case of the cooperative housing society, if your share certificate is transfer, it is treated as a transfer. After that, we started with the definition of short-term, long-term capital asset. There is two type of capital asset. One is the short-term and one is the long-term. अब एक बार समझना, शॉर्ट टर्म किसको बोलेंगे, लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे, तो इधर देखो। सबसे पहले सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, सिक्योरिटी लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यूटीआई का यूनिट्स एंड म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड, इनके केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा 1 ईयर का। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एंड शेयर्स जो है अनलिस्टेड शेयर, बेसिकली फर्स्ट वाले को छोड़ के, उनके केस में 2 ईयर्स, और बाकी जितनी भी असेट्स है उनके केस में 3 ईयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा। उसके बाद वी स्टार्टेड विद द सेक्शन 48 वॉज रिलेटेड टू द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। नाउ हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन, सो फर्स्ट टेक द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यू विल गेट द कैपिटल गेन का अमाउंट। बट देयर वर सर्टेन प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 48, एंड प्रोवाइजो कौन कौन से पढ़े थे, सबसे पहला प्रोवाइजो दैट इज कैपिटल गेन इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के केस में कैपिटल गेन कैसे निकालोगे, तो वहां पे वो सनी वाला पार्ट मैंने आपको सिखाया था। मैंने बोला था कि अगर असेसी नॉन रेजिडेंट है, असेट है वो शेयर और डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी एंड दैट असेट वर एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी, देन कैपिटल गेन हैज टू बी कैलकुलेटेड इन फॉरेन करेंसी एंड आफ्टर दैट रीकन्वर्टेड इनटू द इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी में जो आएगा उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब एक बात समझना, हाउ यू विल कन्वर्ट इनटू फॉरेन करेंसी, देन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कन्वर्ट इनटू फॉरेन करेंसी बाय अप्लाइंग एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर एक्सपेंसेस एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड कैपिटल गेन TTBR ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन इन फॉरेन इंडियन करेंसी, ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन ध्यान रखना, जहां पे फर्स्ट प्रोवाइजो लगता है वहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, वो आपको नहीं मिलेगा, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। उसके बाद सेकंड प्रोवाइजो ये बोलता है कि जब भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, इफ देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इज लॉन्ग टर्म, देन आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना पड़ेगा, एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अपन ने थर्ड प्रोवाइजो है वो अपन ने नहीं पढ़ा था, सीधा अपन ने फोर्थ प्रोवाइजो पढ़ा था, और फोर्थ प्रोवाइजो ये बोलता है कि डिबेंचर एंड बॉन्ड्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलता, देयर इज नो इंडेक्सेशन बेनिफिट इन केस ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, एंड उसके दो एक्सेप्शन थे। कौन कौन से दो एक्सेप्शन थे,
उसके दो एक्सेप्शन थे, वन इज द कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और दूसरा दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय द आरबीआई, जहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। लॉजिक्स वगैरह मैं आपको सब चीजें सिखा चुका था, उसके बाद कुछ पार्ट अमर ने छोड़ा था। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद सेक्शन 55। सेक्शन 55 वाज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, तो मैं बता दूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए क्या है। इन केस ऑफ इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट में कौन कौन सी असेट, इधर देखो बेटा, इंटेंजिबल असेट में गुडविल ऑफ बिजनेस है, प्रोफेशन नहीं बाबा, ओनली गुडविल ऑफ बिजनेस करके, ठीक है, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, टेनेंसी राइट, स्टेज परमिट और रूट परमिट, यू कैन से दैट लूम आर्ट्स है, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस एनी आर्टिकल एंड थिंग्स, एंड राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। इनके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने का निल, और बेटा निल लेने का सेल्फ जनरेटेड है तो, लेकिन अगर आपने परचेस किया हुआ है तो परचेस प्राइस है वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। लेकिन यहां पे आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है उसका आपको बेनिफिट है, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद इन केस ऑफ द शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में क्या होगा, तो शेयर एंड सिक्योरिटी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, अपन ने क्वेश्चन भी किया था भाविन वाला। शेयर एंड सिक्योरिटी में अगर बोनस शेयर है तो कॉस्ट हमेशा निल लेने का, लेकिन बोनस शेयर अगर 1/4/2001 से पहले वाला है तो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट। इन केस ऑफ राइट शेयर, देखो राइट शेयर में आपकी कॉस्ट क्या होगी, वॉट एवर अमाउंट पेड टू द कंपनी, जो आप कंपनी को पे करोगे वही तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी राइट शेयर में। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप राइट किसी को रिनाउंस कर देते हो तो राइट को आपने रिनाउंस किया तो जो रिनाउंसमेंट के टाइम पे भी आपको कैपिटल गेन होगा, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज रिलिंक्विशमेंट ऑफ द कैपिटल असेट, एंड आपको कैपिटल गेन होगा, और जो भी कैपिटल गेन होगा इट्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद एक बात बताओ, रिनाउंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे आप, तो रिनाउंसी के हाथ में, रिनाउंसी जो है वो रिनाउंसी के हाथ में कॉस्ट क्या आएगा, अमाउंट पेड टू द कंपनी प्लस द राइट खरीदने का जो प्राइस था, दोनों की टोटल कर देंगे, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ acquisition of that share, और period of holding हमेशा from the date of allotment लिया जाता है in case of shares and security। यहां पे FMV as on 1/4/2001 का benefit मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो stock exchange का corporatization हो जाता है, stock exchange पहले AOP BOI हुआ करता था लेकिन उसका corporatization कर दिया government ने, अगर stock exchange का corporatization होता है तो जो भी मेंबर है उसके पास पहले मेंबरशिप कार्ड था, अभी उसके पास क्या आ जाएगा, शेयर्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन ही आता है वो शेयर्स का कॉस्ट क्या लेंगे, तो शेयर्स का कॉस्ट वही लेंगे जो मेंबरशिप कार्ड का कॉस्ट था, शेयर्स का कॉस्ट वही लेंगे जो मेंबरशिप कार्ड का कॉस्ट था, एंड बेटा जो क्लियरिंग एंड ट्रेडिंग राइट का कॉस्ट है वो निल ले लेंगे। यहां पर भी आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद बाकी असेट्स के केस में क्या लेने का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी तुम्हारा कॉस्ट लगा था, या एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 वाला, व्हिच एवर इज हायर करके, ठीक है। लेकिन बेटा वो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट कब मिलता है, जब असेट उससे पहले एक्वायर किया था, उसके बाद एक्वायर किया था तो जो कॉस्ट है वही तुम्हारा कॉस्ट हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट, यस। चलो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेने का, तो देखो तीन का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो ऑलवेज निल लेने का, किसका, एक तो तुम्हारा गुडविल ऑफ बिजनेस, दूसरा तुम्हारा राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस एनी आर्टिकल एंड थिंग, दैट इज पेटेंट, कॉपीराइट, एंड तीसरा तुम्हारा राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका इंप्रूवमेंट हुआ है तो भी निल लेने का, ठीक है, कुछ भी नहीं लेने का। बाकी असेट्स के केस में वॉट एवर 1/4/2001 के बाद इंप्रूवमेंट पे कैपिटल खर्चा किया, दैट विल बी कंसिडर एज योर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन किया था अपन ने, हाँ भाई, ओ एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द सेक्शन 45(2). एक बात बताओ, 45(2) जो पढ़ाया था उससे पहले मैंने यह बताया था आपको कि हमेशा 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 ट्रांसफर का ईयर ही टैक्स का ईयर लगता है, ट्रांसफर का ईयर ही टैक्स का ईयर लगता है। यह कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 45(1) में, बिकॉज 45(1) ये बोलती है कैपिटल गेन हैज टू बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। लेकिन मैंने बोला था मैं उसके कुछ एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा, और मैं जो एक्सेप्शन पढ़ा रहा था उसमें अपन ने कौन कौन से एक्सेप्शन अभी तक पढ़ लिए थे, कौन कौन से एक्सेप्शन बाकी थे, तो मैं बताऊं सबसे पहला एक्सेप्शन अपन ने पढ़ा था, दैट वॉज सेक्शन 45(2). और 45(2) क्या बोलता था कि इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, योर ट्रांसफर इज टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन बट टैक्स विल बी पेड इन द ईयर इन विच अ स्टॉक इज सोल्ड। इन दैट केस देयर इज टू टाइप ऑफ लाइक यू नो दैट गेन, वन इज द कैपिटल गेन, वन इज द बिजनेस का इनकम। फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ द कन्वर्जन, एंड दैट एफएमवी विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ योर बिजनेस इनकम निकालने के लिए, ठीक है। और बेटा इन दोनों पे बिजनेस इनकम एज वेल एज कैपिटल गेन पे टैक्स कौन से ईयर में लगता था, जिस ईयर में आप स्टॉक सोल्ड करते थे। लेकिन एक बात समझना, अगर स्टॉक आपने प्रोपोर्शनेटली सोल्ड किया तो कैपिटल गेन भी आपको प्रोपोर्शनेटली लगेगा, जितना स्टॉक सोल्ड हुआ उतना कैपिटल गेन आपको लगेगा प्रोपोर्शनेटली। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट, यस। तो आई थिंक इतना हुआ था।
इतना हुआ था। यस चलो, सो अब अपन आगे पढ़ना चालू करेंगे। चलो, सो कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये वाला हो गया। फिर अपन ने क्वेश्चन किया था, दो क्वेश्चन किए थे, एक ये वाला और ये हेमा वाला क्वेश्चन, ये लास्ट अपना हुआ था। ठीक है, चलो अब एक बात समझना, इसके आगे जो आपको दे रखा है दैट इज, सर अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि कैपिटल असेट है वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, लेकिन सर अगर स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट में कन्वर्ट हुआ था, जो स्टॉक था पहले अर्लियर दैट वाज योर स्टॉक एंड सपोज यू ट्रांसफर दैट टू एज अ कैपिटल असेट, आई कैन टेक वन एग्जांपल। सपोज अर्लियर मैं क्या करता था, मैं बिजनेस करता था ज्वेलरी का, और ज्वेलरी का बिजनेस अच्छा नहीं चला तो मैंने उसको ज्वेलरी के बिजनेस को बंद कर दिया, और जो भी मेरी शॉप में पड़ा था ज्वेलरी वो मैंने घर की अलमीरा में रख लिया। तो एक बात बताओ, जब तक वो शॉप में पड़ा था वो क्या था मेरे लिए, स्टॉक इन ट्रेड, और जैसे ही मैंने उसकी घर की अलमीरा में रखा वो क्या बन गया, मेरा कैपिटल असेट। तो सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या बिजनेस का इनकम आएगा, कैपिटल गेन आएगा, दोनों आएगा? इसको लेके मैं बताऊं, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था मार्केट में, डिस्प्यूट था मार्केट में, और वो डिस्प्यूट्स को इन्होंने सॉल्व किया बाय फिनेंस एक्ट 2018। फिनेंस एक्ट 2018 से उन्होंने एक नई सेक्शन डाली, मतलब बहुत सारी नई सेक्शंस में अमेंडमेंट किया और उन्होंने इस इश्यू को सॉल्व कर दिया। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है कि जब स्टॉक इन ट्रेड को हम कैपिटल असेट ट्रीट कर लेते हैं, मतलब स्टॉक इन ट्रेड इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट, ऐसा कब हो सकता है? एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ज्वेलरी का बिजनेस था वो बिजनेस बंद हो गया करके, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो बहुत फेमस एग्जांपल, और यू कैन से दैट प्रैक्टिकली ऐसा होता है, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो शेयर में डील करते हैं, मतलब वो शेयर्स परचेस सेल का बिजनेस करते हैं, मतलब उनका जो पोर्टफोलियो है वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो होता है। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मतलब ऑब्वियसली स्टॉक इन ट्रेड, आपने देखा होगा देयर आर वेरियस पीपल दे होल्ड द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। अब पहले तो उनका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो था, अब वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जो सिक्योरिटी पड़ी थी उनके पास, जो उनके पास स्टॉक था ट्रेडिंग पोर्टफोलियो वाला, उसको उन्होंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाल दिया, और दे ट्रांसफर टू द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। उन्होंने क्या किया कि उनको उसने उसको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाल दिया, या इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल असेट में आ गया। तो क्वेश्चन ये आता है यहां पे क्या होगा, तो इन्होंने क्या किया जो लाइक लॉ मेकर्स ने, इसको लेके पहले डिस्प्यूट्स था, एक केस लॉ हुआ करता था यतीश ट्रेडिंग कंपनी का, जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था, हुआ क्या, मैं एक एग्जांपल लेता हूं उसके बाद इसको आगे अपन बढ़ते हैं, इसमें है क्या। ठीक है, चलो इधर देखो हुआ क्या, एक कंपनी थी जिसका नाम था यतीश ट्रेडिंग कंपनी, यतीश ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। अब यतीश ट्रेडिंग कंपनी के पास सपोज 10,000 शेयर्स थे किसी कंपनी के, जो कि 100 ईच में खरीदे थे, सो यू कैन से दैट 10 लाख का था, और ये जो था ये उसका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो था, तो मैं बोलूं स्टॉक इन ट्रेड था, ठीक है, क्या था, स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड था और इसको इन्होंने एक्वायर किया था सपोज ऑन 16 जुलाई 2006 में, 16 जुलाई 2006 में इसको एक्वायर किया था, 1 लाख शेयर, सॉरी 10,000 शेयर, 100 ईच, टोटल इस कॉस्ट इज 10 लाख, एंड इट वॉज अ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो था। अब हुआ क्या, थोड़े टाइम बाद इन्होंने इसी शेयर को ऑन 19 दिसंबर 2015 को, 19 दिसंबर 2015 को, और आई कैन से दैट, चलो 2015 नहीं, थोड़ा पहले वाला ईयर ले लेते हैं, 19 दिसंबर 2010 को, 19 दिसंबर 2010 को इन्होंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट इनटू कैपिटल असेट। किसमें कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल असेट में। अब कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पहले उनका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो था, अब वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना दिया उन्होंने इस डेट को, ठीक है। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जब होता है तो ऑब्वियसली आप स्टॉक इन ट्रेड पीएनडल में बताते हो, और जब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, कैपिटल असेट होती है, तो आप बैलेंस शीट में बताते हो, उन्होंने बैलेंस शीट में बताया, इस डेट से उसको कन्वर्ट कर दिया, कौन सा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। अब हुआ क्या, इन्हीं शेयर्स को सपोज 14 फेब 2019 को सेल कर दिया, और सेल कर दिया 10,000 शेयर एट द रेट सपोज 300 की रेट से,
मतलब 30 लैक्स है वो 30 लैक्स सेलिंग प्राइस आ गया, 30 लैक्स में इसको सेल कर दिया। कितने में? 30 लाख में, 10,000 शेयर, 300 शेयर। अब एक बात समझना, यहां प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30 लाख इज सेलिंग प्राइस, कॉस्ट वॉज 10 लाख, 20 लाख है, इस 20 लाख पे गेन आता है। अब हुआ क्या, असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया पता है? क्योंकि लॉ में इसको लेके आज तक क्लियरिटी नहीं थी। आपने आईपीसीसी में देखा होगा, आईपीसीसी में आपने कैपिटल असेट है उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना, वो 45(2) पहले से था। लेकिन सर इसमें क्या होगा, जब स्टॉक इन ट्रेड इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट, स्टॉक इन ट्रेड इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट, तो इसमें क्या होगा? तो इसको कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं थी। एओ ने क्या किया, एओ ने बोला कि ये 20 लाख का गेन है, ये तुम्हारा गेन पीजीबीपी का है। वो बोलता है कि ये जो टोटल गेन है ये पीजीबीपी का है, बिकॉज स्टॉक इन ट्रेड था। भले आपने कैपिटल असेट उसको थोड़े टाइम बाद बनाया, हमको उससे मतलब नहीं, लॉ में कहीं क्लैरिटी नहीं। जो भी गेन है वो मैं सीधा पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दूंगा, क्योंकि आप ही बताओ पीजीबीपी में अगर टैक्सेबल करेगा ये, क्योंकि उसको टैक्स रेट ज्यादा मिलती है। अगर वो कैपिटल गेन में जाएगा तो टैक्स रेट कम मिलेगी करके, ठीक है, कैपिटल गेन में जाएगा तो टैक्स रेट 20% रहती है अगर एलटीसीजी है तो, बट पीजीबीपी का इनकम है वो उस पे सीधा 30% टैक्स रेट लगेगा। अगर कंपनी है, यदि ट्रेडिंग कंपनी, दैट वाज अ कंपनी, और उसको पता था कि पीजीबीपी का इनकम बताऊंगा तो 30%, तो वो बोलता है ये पीजीबीपी। असेसी बोलता है कैपिटल गेन, असेसी बोलता है, असेसी का यहां पर लॉजिक एकदम सही था। असेसी ये बोलता है कि देखो जब तक मेरा ये स्टॉक था, चलो जब तक मेरा ये स्टॉक था, मतलब 19 दिसंबर 2010 को मैंने कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, चलो वहां तक का प्रॉफिट है, वहां तक जो प्रॉफिट है वो पीजीबीपी में जाना चाहिए, मुझे भी समझता है। लेकिन बेटा 2010 से लेके और 19 के बीच में ये जो अप्रिसिएशन हुआ, ये प्रॉफिट है, ये मेरा कैपिटल गेन में जाना चाहिए, ये असेसी का कहना था। और ये एसएससी का कहना था, और एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों कहां गए? हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में गए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने, आप ही बताओ मोर लॉजिकल कौन था यार? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या बोलता था कि पूरा 20 लाख है, वो 20 लाख पे टैक्स है, वो हम पीजीबीपी में लेंगे। एसएससी का कहना था कि पूरा आप पीजीबीपी में नहीं ले सकते, जब मैंने कन्वर्ट किया इनटू कैपिटल असेट वहां तक का जो एप्रिसिएशन है वो आप पीजीबीपी में ले लो, उसके बाद वाला है वो मेरा कैपिटल असेट का एप्रिसिएशन है, वो कैपिटल गेन में जाना चाहिए। बट लॉ में इसको लेके कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं थी, लॉ में इसको क्लैरिटी नहीं थी, तो लोग अपने अपने हिसाब से कुछ भी किए जा रहे थे। तो यतीश ट्रेडिंग कंपनी का जो जजमेंट है, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था, वो यतीश ट्रेडिंग कंपनी के जजमेंट में ऐसा बोला कि असेसी सही बोल रहा है, असेसी सही बोल रहा है कि जिस दिन कन्वर्ट किया, सपोज इस डेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू था, सपोज फॉर एन एग्जांपल फेयर मार्केट वैल्यू वाज 20 लाख, तो आप एक काम करो 10 लाख को पीजीबीपी में ले जाओ और 10 लाख को कैपिटल गेन में ले जाओ, सब्जेक्ट टू द इंडेक्सेशन एंड ऑल इन द कैपिटल गेन। ऐसा करके किसने बोला? ऐसा करके बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था। लेकिन मैं बताऊं इसके कॉन्ट्राडिक्टरी भी बहुत सारी चीजें थी, तो लॉ मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना हम लॉ में ये चीजें लिख ले। तो लॉ मेकर्स ने क्या किया, बाय फाइनेंस एक्ट 2018 एंड योर एग्जाम में के लिए, फॉर योर एग्जामिनेशन फाइनेंस एक्ट 2018 इज एप्लीकेबल, सो फाइनेंस एक्ट 2018 से उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट कर लिया, और लॉ में अमेंडमेंट करके ये चीजें लिख दी जो मैंने आपको बताई, जो यतीश ट्रेडिंग कंपनी के केस में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंफर्म की थी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, वो जजमेंट उन्होंने लॉ में लिख लिया। और लॉ में इन लोगों ने कैसे कैसे लिखा, कहां कहां अमेंडमेंट किए, वो एक एक चीज अपन डिस्कस करेंगे। उन्होंने 4 जगह अमेंडमेंट किए ये चीज को लिखने के लिए, ठीक है, ये चीज को बताने के लिए 4 जगह अमेंडमेंट किए। लेकिन यहां पर एक चीज समझना, इन्होंने कहा यही है कि भाई 10 लाख जो है ये वाला पुराना वाला कॉस्ट और 20 लाख फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, ये 10 लाख का प्रॉफिट पीजीबीपी में जाएगा और बाकी वाला आगे वाला जो 10 लाख है वो कैपिटल गेन में जाएगा। लेकिन सर इसमें भी क्या ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे क्या कि भाई ये जो पीजीबीपी का इनकम है उस पर भी टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप कैपिटल असेट सेल करोगे? क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है? आंसर इज नो, वो कैपिटल गेन में था।
कैपिटल गेन में ऐसा जरूर था कि इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, योर कैपिटल असेट कन्वर्ट हुआ, वो ट्रांसफर हुआ, बट टैक्स उस ईयर में लगता था जिस ईयर में स्टॉक सोल्ड होगा। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ। मतलब यहां पे इन्होंने सिर्फ ये बताया कि हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन और हाउ टू कंप्यूट योर पीजीबीपी का इनकम करके, ठीक है। तो भैया मैं बताऊं, यहां जो 10 लाख है उस पर टैक्स तुम्हारा 10-11 में ही लग जाएगा। मतलब जैसे ही आप कैपिटल असेट में कन्वर्ट करोगे उसी ईयर में एफएमवी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेके फॉर द पर्पस ऑफ पीजीबीपी 10 लाख पे पीजीबीपी में टैक्स भर दो, और वही बाकी वाला 10 लाख है जिस ईयर में आप उस कैपिटल असेट को सेल करोगे उस ईयर में वापस आपको 10 लाख पे कैपिटल गेन में टैक्स लग जाएगा। और मैं बता दूं जो फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख है वही तुम्हारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी उस कैपिटल असेट की। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑर नॉट? यस। चलो अपन देखते हैं कहां कहां इन्होंने अमेंडमेंट किए। तो देखो सबसे पहला अमेंडमेंट, मैं सेक्शन पहले 224 को देखूंगा। 224 जो होती है, एक बात बताओ, टू सबसेक्शन 24 या टू क्लॉज 24? टू क्लॉज 24, बिकॉज डेफिनेशन में हर डेफिनेशन अलग अलग है, देर इज नो लिंकेज विथ एनी अदर डेफिनेशन, सो इट्स ऑलवेज वी यूज द वर्ड क्लॉज। टू क्लॉज 24 क्या बोलता है पता है? इनकम। और मैं बता दूं टू क्लॉज 24 में जब तक चीजें नहीं लिखी हुई तब तक वो इनकम टैक्सेबल नहीं होती। इनकम, इनकम क्या होता है भाई? इनकम पे टैक्स लगेगा। इनकम क्या? तो इन्होंने इनकम की डेफिनेशन में सबसे पहले तो डाला कि द फेयर मार्केट वैल्यू, ये नया क्लॉज जोड़ा इसमें, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रेफर्ड इन क्लॉज नंबर 6A ऑफ सेक्शन 28। जो सेक्शन 28 है और सेक्शन 28 का जो क्लॉज नंबर 6A है उसमें जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो भी तुम्हारे इनकम में लिया जाएगा। उसको आप इनकम, एक्चुअल इनकम हुआ नहीं है बट उसको आपको इनकम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल इनकम आपको तब होगा जब आप कैपिटल असेट बेचोगे। बट यहां पे बेटा कैपिटल असेट बेचोगे वो कैपिटल गेन में जाएगा, बट पीजीबीपी के लिए वो इनकम आपको इनकम लेना पड़ेगा। अब पीजीबीपी में इन्होंने अमेंडमेंट किया, और पीजीबीपी की चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन 28 ऑफ द पीजीबीपी। और चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है पता है? चार्जिंग सेक्शन आपको यह बोलती है कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में आएगी। तो यहां पे इन्होंने एक क्लॉज डाला 6A करके, और इन्होंने क्या बोला देखो, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, जो भी इन्वेंट्री का फेयर मार्केट वैल्यू है, एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज, आप जिस दिन उसको कन्वर्ट करते हो या उसको ट्रीट करते हो क्या एज अ कैपिटल असेट डिटरमाइन इन द प्रिस्क्राइब मैनर। मतलब आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कैसे निकालना है, वी विल गिव यू द सम मैनर्स एंड ऑल करके, ठीक है। डिपार्टमेंट विल गिव यू सम मैनर्स के हाउ टू कंप्यूट द फेयर मार्केट वैल्यू करके, ठीक है। बट जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा, उसको अपन पीजीबीपी की इनकम में लेंगे। नेक्स्ट पार्ट, अब एक बात समझो, जो फेयर मार्केट वैल्यू, जैसे इन दिस एग्जांपल, ये जो एग्जांपल था इस एग्जांपल में दिस 20 लाख वाज द फेयर मार्केट वैल्यू। तो 20 लाख जो फेयर मार्केट वैल्यू था, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू मतलब 20 लाख माइनस 10 लाख, आपका 10 लाख पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा। कौन से ईयर में होगा? जिस ईयर में कन्वर्ट करोगे उस ईयर में। ऐसा नहीं है कि आप फिर वो कैपिटल असेट सेल करोगे उस ईयर में, ऐसा कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है जैसा उसमें था, ऐसा नहीं है। तो देखो 10 लाख है ये पीजीबीपी का इनकम आपका बन जाएगा। और एक बात बताओ, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ही क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका? कैपिटल असेट का। तो यहां पे देखो, जब आप इस कैपिटल असेट को बेचोगे तो 30 लाख है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30 लाख। कॉस्ट क्या आएगा तुम्हारा? एफएमवी कॉस्ट बन जाएगा 20 लाख का। तो 10 लाख का आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन। तो बेटा यहां पर फिर ये बताते हैं, और इन्होंने अमेंडमेंट किया सेक्शन 49(9) डाली है, और 49(9) ये कैपिटल गेन की सेक्शन है। 49(9) है ये कैपिटल गेन की सेक्शन है। वहां इन्होंने क्या डाला कि देखो, वेयर द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट रेफर्ड टू इन क्लॉज 6A ऑफ सेक्शन 28, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच असेट शैल बी डीम्ड टू बी द फेयर मार्केट वैल्यू विच हैज बीन टेकन इन टू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दैट क्लॉज। मतलब पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए जो फेयर मार्केट वैल्यू लिया था वो फेयर मार्केट वैल्यू ही कैपिटल असेट के लिए क्या बन जाएगा? उसका कॉस्ट बन जाएगा। एंड लास्ट पार्ट बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करेगा। आप ही बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लिया जाएगा? बताओ 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 पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लिया जाएगा इस एग्जांपल में? एक बात बताओ, जब आप कैपिटल असेट बेचोगे, मतलब जब कैपिटल असेट बेचोगे तो पीरियड ऑफ होल्डिंग
टेन इलेवन से लोगे या सिक्स सेवन से लोगे? टेन इलेवन से लोगे ना, उससे पहले तो स्टॉक इन ट्रेड था, स्टॉक इन ट्रेड का पीरियड नहीं लेना, पीरियड आपको कैपिटल असेट का लेना है। और कैपिटल असेट कब बना तुम्हारा? प्रीवियस ईयर टेन इलेवन में बना, तो टेन इलेवन है वहां से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो कमेंस होगा। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? अरे बोलो ना, तुमको समझा कि नहीं समझा? समझा ना, चलो देखो क्या लिखा पीरियड ऑफ होल्डिंग में। लास्ट पीरियड ऑफ होल्डिंग इन द केस ऑफ कैपिटल असेट रेफर टू इन क्लॉज 6A ऑफ सेक्शन 28, द पीरियड शैल बी रिकन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन और ट्रीटमेंट। मतलब जब आप उसको कन्वर्ट करते हो, किस में कन्वर्ट करते हो आप? कैपिटल असेट में, वहां से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा। मैं बताऊं, ये चीज कोई डिफिकल्ट नहीं थी, ये अमेंडमेंट जो है कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सीधा उसका उल्टा, जो अपन उसमें कर रहे थे उसका एग्जैक्टली उल्टा। लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रखना, उसमें ये था कि भाई जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ उस ईयर में कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता था, कैपिटल गेन पे टैक्स उस ईयर में लगता था जिस ईयर में स्टॉक सोल्ड होगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है कि बिजनेस की इनकम पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप कैपिटल असेट सोल्ड करोगे, ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ। तो जैसे ही कन्वर्जन किया उस ईयर में बिजनेस में टैक्स भर दो, और जब वो कैपिटल असेट को आप सेल करोगे उस ईयर आप कैपिटल गेन में टैक्स भर दो। यू गॉट माय पॉइंट आउट? अरे बोलो ना, तुमको समझू कि नहीं समझू? समझू, चलो अपन कुछ लिखते हैं इसके नीचे। लिखो लिखो लिखो, यहां पे लिखो क्या, जहां पे इसके नीचे जगह है वहां से लिखते जाओगे। लिखो एज पर सेक्शन 247, मैं पहले पूरा बैकग्राउंड लिखवा रहा हूं पीछे का। एज पर सेक्शन 247 ट्रांसफर का डेफिनेशन, एज पर सेक्शन 247 कैपिटल असेट इज कन्वर्टेड इंटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल असेट इज कन्वर्टेड इंटू स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर And as per section 45(2) and as per section 45(2) as per section 45(2) as per section 45(2) taxability as per section 45(2) taxability under the head capital gain and PGBP provided. मतलब भाई अपन ने ये लिखा है अभी तक क्या, लाइक जब कन्वर्जन करते थे तो वो ट्रांसफर माना जाता था, और 45(2) में उसकी टैक्सेबिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, ऑलरेडी दे रखी है। नेक्स्ट लाइन में लिखो however before 2018 Finance Act there were no provision in Income Tax Act 1961 and Income Tax Act 1961 which provide for taxability of conversion of stock in trade into capital asset। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, देयर वाज नो प्रोविजन इन इनकम टैक्स एक्ट, बट अभी आगे लिखोगे। नेक्स्ट लाइन में लिखो एज पर फाइनेंस एक्ट 2018 लॉ मेकर्स
लॉ मेकर्स प्रोवाइडेड, लॉ मेकर्स प्रोवाइडेड टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी लॉ मेकर्स प्रोवाइडेड टैक्सेबिलिटी, लॉ मेकर्स प्रोवाइडेड टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट। नेक्स्ट लाइन में लिखो, एज पर सेक्शन 28, एज पर सेक्शन 28, एज पर सेक्शन 28, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, FMV on the date of conversion shall be charged under the head PGBP, shall be charged under the head PGBP under the head PGBP done। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऑन कन्वर्जन, ऑन कन्वर्जन, ऑन कन्वर्जन एफएमवी इज ऑलरेडी, एफएमवी इज ऑलरेडी, ऑलरेडी चार्ज्ड अंडर द हेड पीजीबीपी, एफएमवी इज ऑलरेडी चार्ज्ड अंडर द हेड पीजीबीपी, then such FMV shall be treated as, then such FMV shall be treated as, then such FMV shall be treated as cost of acquisition, cost of acquisition, cost of acquisition, FMV shall be treated as cost of acquisition of such capital asset, of such capital asset and period of holding shall be, and period of holding shall be computed from, period of holding shall be computed from period of holding shall be computed from the date of conversion into capital asset, from the date of conversion into capital asset। यस पीपल, सो अभी तक जो पढ़ा उसके ऊपर अपन एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी तक जो पढ़ा वो मैं आपको एक बार बता दूं क्या क्या अपन ने पढ़ा। अपन पढ़ रहे हैं कि अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड था और वो कैपिटल असेट में कन्वर्ट होता है तो क्या होगा। तो देखो, जैसे स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट में कन्वर्ट होता है तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो सीधा पीजीबीपी में जाएगा, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी, और पीजीबीपी में टैक्सेबल कन्वर्जन के टाइम पे ही हो जाएगा। और उसके बाद जब आप कैपिटल गेन की बात करोगे तो कैपिटल गेन में जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही कैपिटल गेन के लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट। और कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगेगा, कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जब आप कैपिटल असेट को सेल करोगे, और बिजनेस का इनकम कब आएगा पीजीबीपी उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप कन्वर्जन करोगे। आप बोलोगे सर ये अमेंडमेंट की जरूरत क्या थी। एक बहुत पुराना एक केस लॉ है, दैट इज द कीको भाई करके एक केस लॉ है 1956 के गरीब का, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। और मैं बता दूं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि इसमें टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, मतलब व्हेनेवर लाइक स्टॉक है वो कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया तो वहां पे टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि यहां पे सेल कहां हुआ, बिकॉज बिजनेस में इनकम टैक्सेबल तब होती है जब सेल होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना वहां पर यह था कि यहां सेल क्या हुआ, आप पहले स्टॉक था अब आप कैपिटल असेट बना दी, हियर इज नो सेल, नो सेल। और इंसान खुद को खुद सेल थोड़ी कर सकता है, अल्टीमेटली अर्लियर ऑल्सो आई वॉज द ओनर एंड नाउ ऑल्सो आई एम द ओनर। सो लाइक इंसान खुद को खुद से सेल कैसे कर सकता है, तो बोलते हैं टैक्स नहीं लगेगा। ये ऐसा जजमेंट था और उसको
उस जजमेंट को ओवरराइड करने के लिए बेसिकली इन्होंने यहाँ पे ये सब चीज़ें डाली और बोला एफएमवी है वो एफएमवी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी और फिर जो एफएमवी है वो कॉस्ट बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो लिखो यतेश ट्रेडिंग कंपनी एक्वायर्ड टेन थाउजेंड शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एट द रेट ट्वेंटी ईच ऑन 14 मई 2017 एज अ स्टॉक इन ट्रेड। तो 10,000 शेयर खरीदे 20 की रेट से ऑन 14 मई 2017 एज अ स्टॉक इन ट्रेड फुल स्टॉप। उसके बाद लिखो दिस स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट सोल्ड टिल 31st March 2018 and NRV on 31st March 2018 is rupees 22 per share full stop. The above inventory of 10,000 shares are converted into capital asset on 10 July 2018 and FMV on such date is rupees 26 per share full stop। के बाद लिखो assessee transferred 2000 shares assessee transferred 2000 shares on 19 March 2019 at the rate 45 each and balance 8000 share on 14 August 2019 at the rate 36
ईच, 36 ईच. कैलकुलेट कैलकुलेट पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन इनकम. कैलकुलेट पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन इनकम. आपको पीजीबीपी का भी इनकम निकालना है एज वेल एज आपको पीजीबीपी का भी इनकम निकालना है एज वेल एज आपको कैपिटल गेन भी निकालना है. ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन को आप वापस से रीड कर लो, निहार लो एक बार उसको, एक बार आप उसको देख लो करके. ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन देखो एक बार अच्छे से. 10,000 शेयर 20 रुपए में खरीदे 15 मई 2017 को. एक और चीज समझना, ये जो चारों अमेंडमेंट है ना, दिस ऑल फोर अमेंडमेंट्स इज बाय फाइनेंस एक्ट 2018 और फाइनेंस एक्ट 2018 मीन्स एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1920. This is all from assessment year 1920. चारों चीजें assessment year 1920 से ये applicable है. चलो अब अपन इस question को solve करेंगे. आपको जो question दे रखा है, एक बार अगर मैं इसको question को वापस read करूं तो आपने क्या लिखा है, देखो 10,000 share खरीदे थे 20 रुपए की rate से on 15 मई 2017 को 10,000 share आपने खरीदे थे और ये 10,000 शेयर खरीदे थे 20 रुपीज की रेट से, मतलब आपने कितने का खरीदा होगा, आई थिंक 2 लाख रुपीज का. अब 2 लाख के शेयर खरीदे 14 मई 2017 स्टॉक इन ट्रेड और उस साल में उसको सेल किया ही नहीं, तो उस साल में वो क्लोजिंग स्टॉक बन गया होगा और क्लोजिंग स्टॉक बना 31 मार्च को, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 22 है ना, एनआरवी. क्योंकि एक बात बताओ, स्टॉक को वैल्यू अपन किस पे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर. उसके बाद आपने इस साल में, दैट इज प्रीवियस ईयर 18-19 में उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड और जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो उस पर पीजीबीपी का इनकम आएगा एंड उसके बाद में आपने उसको सेल कर दिया और मैंने सेल को भी दो अलग अलग ईयर में लिया है जिससे कि आपको चीजें है वो क्लियर होती जाए. अपन एक एक ईयर के बारे में देखते हैं. सबसे पहले अपन बात करते हैं पीजीबीपी की करके. ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखो बेटा, अपन बात करते हैं पीजीबीपी की कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. एक 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 ईयर चालू करते हैं. सबसे पहले तो अपन बात करते हैं प्रीवियस ईयर 17-18 की, क्योंकि 17-18 में आपने खरीदा है. तो देखो मैं अगर बात करूं यहां पे प्रीवियस ईयर 17-18 असेसमेंट ईयर 18-19, ठीक है, इस ईयर में आपने एक्वायर किया, इस ईयर में आपने क्या किया, एक्वायर किया. तो सबसे पहले एक बात समझो, प्रीवियस ईयर 17-18 में आपने ये स्टॉक एक्वायर किया, उससे पहले आपके पास कोई स्टॉक सपोज नहीं था. ठीक है, तो आपने जो एक्वायर किया, सबसे पहले मैं यहां पे आपको लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1st अप्रैल 2017. क्या आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक था, क्या नहीं, आपके पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था, ओपनिंग स्टॉक वॉज निल. लेकिन आपने इस साल क्या किया, परचेज किया स्टॉक, तो मैं यहां पे लिख लूंगा परचेज ऑफ स्टॉक. आपने स्टॉक को परचेज किया और वो ये स्टॉक को परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर. तो ड्यूरिंग द ईयर आपने जो स्टॉक को परचेज किया वो कितने का किया बेटा, बोलो कितने का किया था, आई थिंक 2 लाख का किया था. हाँ भाई, 2 लाख का आपने स्टॉक परचेज किया. अब एक बात समझो, इस साल कुछ सेल हुआ क्या, इस साल आपका कुछ सेल हुआ क्या, आंसर इज नो. तो मैं यहां पे नेक्स्ट लाइन में वो भी लिख लेता हूं, सेल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 17-18 में कोई भी सेल भी नहीं हुई करके. ठीक है,
तो मैं बोलूं सेल भी नहीं हुई तो जो तुम्हारे पास 10,000 शेयर थे वही तुम्हारा इस साल में क्या बना होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो भैया तुम्हारा यहां पे मैं लिख लेता हूं क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018। अब एक बात समझो, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे करते हैं इससे रिलेटेड मैं आपको चीजें सिखाऊंगा पीजीबीपी में। जब मैं आपको पीजीबीपी पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको आईसीडीएस पढ़ाऊंगा, दैट इज इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर एंड स्टैंडर्ड। जैसे आपने एएस पढ़े हुए हैं वैसे ही इनकम टैक्स में आईसीडीएस होते हैं। तो AS2 जो होता है दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और ICDS 2 भी होता है इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो ICDS 2 क्या बोलता है कि हमेशा आप इन्वेंट्री को जो वैल्यू करोगे, हमेशा आप जो इन्वेंट्री को जो वैल्यू करोगे वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करोगे, और ऐसा ही आपने उसमें भी सीखा हुआ है अकाउंट में। तो देखो बेटा इस दिन मेरा जो कॉस्ट और एनआरवी जो भी इन दोनों में से लोअर आएगा उस पे लूंगा। अब एक बात बताओ, मेरा जो कॉस्ट है दैट कॉस्ट वॉज 20। मैंने आपको एनआरवी एग्जाम्पल में कितना दिया है, मैंने आपको जो एनआरवी दिया है दैट एनआरवी इज 22। बेटा लोअर क्या है यहां पे, लोअर यहां पे तुम्हारा कॉस्ट है। तो कॉस्ट है वो कॉस्ट ही कॉस्ट पे ही आप फिर वैल्यू करोगे स्टॉक को। तो भैया लोअर जो है कॉस्ट इज 20, एनआरवी इज 22 एंड लोअर इज 20। 20 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी है वो भी तुम्हारा 2 लाख आ जाएगा। तो देखो अगर मैं पीएनडल फॉर्मेट में बनाता तो इधर मेरा परचेज कितना आता 2 लाख, और इधर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आता 2 लाख। तो मैं बोलू इस साल का जो पीजीबीपी का इनकम है, इस साल का जो पीजीबीपी का इनकम है मैं बोलू वो पीजीबीपी का इनकम नहीं ला जाएगा। इस साल का पीजीबीपी का इनकम कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन एक बात बताओ, यहीं पे अगर पीजीबीपी में अगर मान लो एनआरवी कम होता, एनआरवी कम होता कॉस्ट से भी, तो एनआरवी लेते और एनआरवी जब अपन क्लोजिंग स्टॉक लेते तो मे बी यहां पे लॉस आ सकता था। लेकिन इस बार यहां पे ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई गेन है, क्योंकि जो आपने परचेस किया था वो ही तुम्हारा क्या बन गया क्लोजिंग स्टॉक। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो तुमको समझा के नहीं समझा, नेट प्रॉफिट क्या आ गया? निल। नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं आएगा। अब एक बात समझना, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट ईयर चलते हैं अपन, और नेक्स्ट ईयर में यहां पे करता हूं ऑल पीपल। तो कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी वहां पे भी, पीजीबीपी प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 1920। प्रीवियस ईयर तुम्हारा 1819 एट असेसमेंट ईयर है दैट इज तुम्हारा 1920 करके, ठीक है? तो बेटा ये वाला दैट इज कॉल्ड अवर करंट ईयर। अब एक बात समझना, 1819 में जो तुम्हारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था ये इस साल में क्या बनेगा ओपनिंग स्टॉक। तो मैं यहां पे लिख लू ओपनिंग स्टॉक एज ऑन दैट इज 1 अप्रैल 2018 एंड ओपनिंग स्टॉक इज योर 2 लाख। 2 लाख इज बेसिकली योर ओपनिंग स्टॉक। अब एक बात समझना, यहां पे 2 लाख रुपया है वो 2 लाख तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है। एक चीज बताओ, इस साल आपने कोई भी क्या परचेज किया क्या स्टॉक? अज्यूम कुछ भी नहीं किया। तो मैं यहां पे ऐड करके ऐसा लिखना है तो लिख सकता हूं परचेज, ये लिखना नहीं चाहिए बट ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए, ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में परचेस कुछ भी नहीं है करके, ठीक है? क्या इस साल मेरा कुछ सेल है क्या? मैं बोलू सेल भी नहीं है, सेल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सेल भी नहीं है, ठीक है? जो मेरा परचेज है सेल है वो कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें परचेज है और ना ही इसमें सेल है करके, ठीक है? देखो परचेज भी नहीं है और सेल भी नहीं है, ठीक है? ना परचेज है ना मेरा सेल है। लेकिन एक बात बताओ, इस साल मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? कैपिटल असेट में। और कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो तो जो एफएमवी रहेगी वही तुम्हारा पीजीबीपी में जाएगी। जो एफएमवी है दैट एफएमवी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी एज पर सेक्शन 28। और सेक्शन 28 के हिसाब से दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन इन टू
कैपिटल असेट, कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया, तो कैपिटल असेट में जैसे ही आपने कन्वर्ट किया तो वो फेयर मार्केट वैल्यू पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी और वो पीजीबीपी बनेगा, तुम्हारा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बनेगा एज पर सेक्शन 28, आई थिंक क्लॉज नंबर 6A करके है शायद, यस क्लॉज नंबर 28 का, यस 6A इज द क्लॉज। तो एक बात बताओ, अपना फेयर मार्केट वैल्यू कितना था कन्वर्जन की डेट पे? आई थिंक 26 था, आई थिंक 26 वॉज फेयर मार्केट वैल्यू। तो आप एक काम करो, यहां पे सीधा 26 डाल दो तो 26 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना आ जाएगा यहां पे? 26 मल्टीप्लाई बाय 10,000 260,000 आ जाएगा। जो 260,000 है, दैट 260,000 विल बी योर लाइक यू कैन से दैट फेयर मार्केट वैल्यू। कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा है इस साल? आंसर इज नो, क्लोजिंग स्टॉक है वो, क्लोजिंग स्टॉक आपका कुछ भी नहीं है। तो मैं बोलूं यहां पे इस केस में जो तुम्हारा 60,000 है, दैट 60,000 विल बी योर पीजीबीपी का इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 18-19 और यू कैन से दैट असेसमेंट ईयर 19-20 में ये पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। इसको अपन पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल कर देंगे। जो 60,000 है वो 60,000 को यहां पे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल कर देंगे। एक बात समझना, यहां पे एक चीज समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दे सेड, इन्होंने ऐसा क्यों बोला था कि एफएमवी पे टैक्स लगेगा? ऑब्वियसली एफएमवी पे टैक्स लगेगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि एफएमवी में से आपकी कॉस्ट लेस करो, क्योंकि कॉस्ट तो वो होती है जब आपने जो खरीदा था वो वाली। लेकिन एक बात बताओ, जितने में आपने खरीदा था वो तो फिर क्या होगा कि हर साल जब आप स्टॉक वैल्यूएशन करते रहोगे तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाला पार्ट होते गया होगा करके, ठीक है? तो वो इफेक्ट तो ऑलरेडी तुम्हारे किस में आ गया है? स्टॉक में आ गया है, और वो ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी रहेगा। तो सीधा जो एफएमवी है वो एफएमवी ही आपको चार्ज करना है। इन शॉर्ट मैं आपको बोल दूं कि इस साल जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू रहेगी उसको लेस करोगे एफएमवी में से, और जो बचेगा दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम, वो तुम्हारे पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में ये जो 60,000 है, ये 60,000 पे अभी आपको टैक्स लग जाएगा। कौन से ईयर में लगेगा? यहां 60,000 पे आपको जो टैक्स लगेगा वो 60,000 पे टैक्स आपको प्रीवियस ईयर 18-19 में ही लग जाएगा। अब अपन बात करते हैं कैपिटल गेन की। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन ऑल पीपल। लेकिन कैपिटल गेन आई थिंक दो ईयर में आ रहा है, अलग अलग ईयर में। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, और मैं इसको आई थिंक दो साल में आ रहा है क्योंकि अलग अलग ईयर में बेचा है। ये 18-19 में बेचा है और ये तुम्हारा 19-20 में बेचा है, तो प्रीवियस ईयर, अलग अलग प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। मैं यहां पे ले लेता हूं प्रीवियस ईयर 18-19 एंड प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 2021। अब एक बात समझना, सबसे पहले उसने कितने शेयर बेचे बेटा? आई थिंक पहले 2000 बेचे थे। हाँ, अरे बोलो ना, 2000 बेचे थे, हाँ 2000, और उसके बाद 8000। तो पहला यहां पे 2000 शेयर्स और यहां पे 8000 शेयर्स। हाँ भाई, 2000 शेयर एंड 8000 शेयर। एक बात बताओ, यहां पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या आएगा? मेरे को अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना है तो मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक लूंगा दोनों के केस में? दोनों के शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक आएगा करके, ठीक है? अब एक बात समझना, पीरियड ऑफ होल्डिंग जो तुम्हारा चालू होगा शेयर से, बेसिकली ये पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू होगा कन्वर्जन की डेट के से। जैसे ही आपने कन्वर्ट कर दिया वहां से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू होगा, क्योंकि देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ कैपिटल असेट रेफरेंस 28 सेक्शन द पीरियड शैल बी रिकन। रिकन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग, कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन और ट्रीटमेंट। तो कन्वर्जन की डेट से पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू होगा। तो आपने कन्वर्ट किया था 10 जुलाई 2018 को, तो 10 जुलाई 2018 से दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू होगा। और बेटा ये कब तक चलेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग? तो मैं बताऊं, पीरियड ऑफ होल्डिंग आपकी सेल की डेट तक। आपने सेल कब कर दिया? आपने जो सेल किया इस केस में 19 मार्च को किया, और यहां पे आपने 14-8 को किया।
यहां 19 मार्च को और यहां 14/8 को करके, ठीक है। तो 19 मार्च को देखो, जिस दिन आप ट्रांसफर करते हो उसके पिछले वाला दिन अपन जोड़ते हैं नॉर्मली अपने पीरियड ऑफ होल्डिंग में, उसके पीछे वाला, क्योंकि जिस दिन आप सेल कर सकते हो वो पीरियड फिर अगले वाला जो परचेज कर रहा है उसके पीरियड में आएगा। तो 19 मार्च को जब आपने ट्रांसफर किया तो आपकी होल्डिंग कब तक थी? 19 मार्च को ट्रांसफर किया तो 18 मार्च, सॉरी, तो आपकी जो होल्डिंग थी दैट टिल 18 मार्च, तो मैं यहां लिख रहा हूं 18 मार्च 19, और दूसरा वाला 17 अगस्त 19, 17 अगस्त 19, जो 17 अगस्त है वो 19 आ जाएगा करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट समझने की कोशिश करना, इधर देखो बेटा एक बात समझो, यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, तो दैट डिपेंड्स। अगर लिस्टेड शेयर है, देखो इसमें तुम्हारा बेटा इस सेकंड वाले में 1 साल से ज्यादा का पीरियड है, और पहले वाले में तो 1 साल से भी कम का है, तो क्या है? शॉर्ट टर्म ही है। अब दूसरे वाले में क्या है, अगर लिस्टेड है तो यहां पर लॉन्ग टर्म होगा, और अनलिस्टेड है तो यहां पे क्या होगा? शॉर्ट टर्म, क्योंकि अनलिस्टेड में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितने का देखते हैं? 2 इयर्स का। वी अज्यूम दैट अनलिस्टेड शेयर है करके, ठीक है। आपको चाहिए तो कहीं पे लिख लेना, ऑन द अजम्पशन दैट शेयर्स आर अनलिस्टेड, शेयर अनलिस्टेड है, तो अनलिस्टेड शेयर के केस में बेटा आपको अनलिस्टेड शेयर के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 इयर्स का देखा जाता है फॉर द डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब एक बात समझना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा? तो 2000 शेयर आपने कौन सी रेट से बेचे? 45। तो कैलसी में करो फटाफट फटाफट, 2000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 45, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 45 कम्स टू द 90,000। हाँ भाई, और दूसरा 8000 मल्टीप्लाई बाय 36, आई थिंक 8000 मल्टीप्लाई बाय 36, यस 2,88,000। अब एक बात समझना, इसकी कॉस्ट क्या आएगी? तो कॉस्ट के लिए अपन ने पढ़ा कि जो एफएमवी थी वहां पे वही क्या बन जाएगी? कॉस्ट। तो माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन की डेट पे एफएमवी कितना था? आई थिंक 26 था, तो 26 ही तुम्हारा कॉस्ट बन जाएगा। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 2000 comes to 52,000, or 26 multiplied by 8,000 comes to 2,08,000. Less karo, jo bhi bachega, it will be your short-term capital gain. Agar long-term hota, तो indexation का benefit वगैरह भी आपको मिलता, जो FMV है इसको आप index वगैरह भी करते। 90,000 minus 52,000 comes to 38,000, and यहां पे 288 minus 2,08,000, it comes to 80,000। ये तुमको समझा के नहीं समझा रहे? हाँ, जो ये करवाया तुमको समझा के नहीं समझा? समझा ना, चलो कॉपी मारो इसको, जल्दी जल्दी कॉपी करो फटाफट जो लिख पाया वो।
यस पीपल डन हुआ तुम लोगों का। ओके डन पीपल, चलो ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, देखो सब लोग ऑल पीपल मेरी तरफ देखो। ओके सो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, वी स्टार्टेड विद द लास्ट, कल के लेक्चर में अपन ने सेक्शन 45(2) पढ़ा था। 45(2) ये बोलता था कि अगर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड होता है तो उस केस में कैपिटल गेन लगता है। ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाता है जिस ईयर में कन्वर्जन होता है, बट टैक्स उस ईयर में पे करते हो जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सोल्ड करोगे। वो 45(2) था, उसको थोड़ी टाइम के लिए इधर अलग रखो, ठीक है। आज जो अपन ने पढ़ा कि अगर आपके पास कोई कैपिटल, सॉरी आपके पास स्टॉक इन ट्रेड था और वो स्टॉक इन ट्रेड को अगर आप कैपिटल असेट में ट्रीटमेंट करते हो या ट्रांसफर करते हो, मतलब उसको ट्रीट करते हो एज अ कैपिटल असेट, तो जिस टाइम पे आपने ट्रीट किया उस टाइम पे आपको पीजीबीपी का इनकम आएगा उसी ईयर में। और पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए एफएमवी जो रहेगा ना, एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, वही तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। ऑब्वियसली उसमें से जो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है वो तो ऑब्वियसली लेस होना ही चाहिए करके, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, देखो ये लोग बोल रहे एफएमवी ही पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक है वो पीएनएल के डेबिट साइड में वगैरह आया होगा करके, ठीक है, तो एफएमवी है वही तो पीजीबीपी का इनकम बनेगा अल्टीमेटली, जैसा अपन ने इस एग्जांपल में लिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो उसके बाद अपन ने जो देखा क्या, लाइक जो एफएमवी है वो पीजीबीपी का इनकम बन गया, खत्म हो गई उधर की बात। अब अपन बात करते हैं कैपिटल गेन की। जो कैपिटल असेट जो हुआ वो कैपिटल असेट को जब आप ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में ऑब्वियसली आप कैपिटल असेट को ट्रांसफर करोगे। लेकिन कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम कॉस्ट किसका लोगे, जो एफएमवी था ना, जो पीजीबीपी में एफएमवी आपने लिया था वही उसका क्या बन जाएगा कॉस्ट। जैसे अपने इस एग्जांपल में 26 था, दैट 26 कॉस्ट बन जाएगा, और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कन्वर्जन की डेट से लोगे फॉर द पर्पस ऑफ द कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो, यस ना, समझा ना। चलो अब एक और चीज समझना इससे रिलेटेड, सर एफएमवी कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या दे रखा है कि फेयर मार्केट वैल्यू एज द डेट ऑन द विच कन्वर्जन टुक प्लेस और ट्रीटेड एज कैपिटल असेट डिटरमाइन इन द प्रिस्क्राइब मैनर, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू प्रिस्क्राइब मैनर में निकालेंगे। और फेयर मार्केट वैल्यू सर कैसे निकालने का, व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, वो एफएमवी कैसे निकालोगे, तो एफएमवी के लिए वो नोटिफिकेशन इशू करने वाले हैं। अभी तक एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, देखो जब भी नोटिफिकेशन आता है तो पहले एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आता है फिर फाइनल नोटिफिकेशन आता है, और ड्राफ्ट जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये लिखा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एफएमवी है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो एफएमवी है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हो जाएगा, और बाकी सब असेट के केस में उनका एक प्रिस्क्राइब रूल है इनकम टैक्स में, जैसे ज्वेलरी का एफएमवी वगैरह कैसे निकालोगे या शेयर का एफएमवी कैसे निकालोगे, तो उनका एक प्रिस्क्राइब रूल्स है, वो रूल्स के हिसाब से आपको उनकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो एक काम करो, इसके नीचे लिखो हाउ टू कंप्यूट फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, हाउ टू कंप्यूट फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। आपने क्या लिखा, हाउ टू कंप्यूट एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, तो उसके नीचे लिखो एज पर सीबीडीटी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। अभी तक ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट मतलब अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। अब नॉर्मली क्या होता है, मोस्ट ऑफ तो वही वाले जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होते हैं वही जाके फाइनलाइज होने वाले होते हैं करके, ठीक है, बट अभी तक ड्राफ्ट है, जब भी फाइनल होगा मैं आपको बता दूंगा कि ये फाइनल हो चुका है करके, ठीक है। अभी तक आज जिस दिन अपन पढ़ रहे हैं उस दिन तक ये ड्राफ्ट है करके, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लिखो, मतलब पढ़ रहे मतलब जिस दिन ये रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन ये तक ये ड्राफ्ट है। चलो अगर ऐसा होता है तो आगे वाले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा जब भी फाइनल होगा। तो एफएमवी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए लिखो, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में लिखो एसडीवी, एसडीवी का मतलब होता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ड्यूटी वैल्यू,
एसडीवी होती है ना जो गवर्नमेंट की, जिसको अपन सर्कल रेट बोलते हैं बेसिकली, तो एसडीवी, एसडीवी एज पर स्टेट गवर्नमेंट, एज पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, एसडीवी एज पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के हिसाब से, जैसे आपको पता रहेगा जो रजिस्ट्रार ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है वो उसकी एसडीवी निकालते हैं, दैट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. तो एसडीवी एज पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन. दूसरा बी पॉइंट लिखो, लिखो फॉर ज्वेलरी, फॉर ज्वेलरी, फॉर ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, फॉर ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, ड्रॉइंग पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स. आपने क्या लिखा, ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, कॉमा शेयर्स एंड सिक्योरिटी. लिखो शेयर्स एंड सिक्योरिटी, शेयर्स एंड सिक्योरिटी. अब एक बात समझना, शेयर्स एंड सिक्योरिटी मतलब कुल मिला के मैं बोलूं, एक तो वही वाली असेट, वो वाली कौन सी जो अपन ने वहां पढ़ा था, कौन कौन सी, ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, और यहां शेयर्स एंड सिक्योरिटी को और जोड़ा है. मतलब इनकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डैश करके लिखो एज पर रूल नंबर दैट इज 111 यूए, सॉरी इट्स 111 यूए, एज पर रूल नंबर 111 यूए, एज पर रूल नंबर 111 यूए, एज पर रूल नंबर 111 यूए ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन. ये इनकम टैक्स में एक रूल है 111 यूए, जो ये आपको ये बताता है कि हाउ टू कंप्यूट, व्हाट विल बी द, लाइक यू नो दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी का वैल्यू कैसे आएगा, उसका वैल्यू कैसे आएगा, शेयर्स का कैसे आएगा, सिक्योरिटी का कैसे आएगा, उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स है करके, ठीक है, वो उसमें बताया हुआ है. और उसके बाद तीसरा लिखो एनी अदर असेट, एनी अदर असेट, एनी अदर असेट, और एनी अदर असेट के केस में लिखो लिखो प्राइस इन ओपन मार्केट, प्राइस इन ओपन मार्केट, प्राइस इन ओपन मार्केट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, प्राइस इन ओपन मार्केट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन. इसका मतलब क्या हुआ, फेयर मार्केट वैल्यू, कि अदर असेट कोई भी अगर आप बेचने जाते तो क्या मार्केट में वो प्राइस फेच करता, ठीक है, मतलब वो क्या प्राइस उसको मिलती उस प्रॉपर्टी को, उस असेट को, दैट विल बी योर फेयर मार्केट वैल्यू अदर असेट के केस में. तो अपन ने देखा इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन. तो मैं बता दूं फेयर मार्केट वैल्यू के लिए तीन चीजें. सबसे पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये लोग बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो एज पर द गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो ले लो. उसके बाद में अदर असेट, अदर असेट में मतलब कौन कौन सी, शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट. क्या क्या बोला, शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट. उसके केस में 11 यूए के हिसाब से निकालो, जो रूल नंबर 11 यूए है उसके हिसाब से जाना. और एनी अदर असेट के केस में प्राइस जो ओपन मार्केट में फेच हो सकती है, ठीक है, मतलब जो फेच इन द ओपन मार्केट, अगर मान लो आप अगर बेचते हो आज तो क्या आपको प्राइस मिलेगी, दैट इज कॉल्ड योर ओपन मार्केट वाला प्राइस, और यू कैन से दैट नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अगर आप कन्वर्जन की डेट पे आप उसको बेचने जाते हो तो व्हाट कैन बी द एनआरवी, दैट विल बी योर 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 अदर असेट के केस में फेयर मार्केट वैल्यू. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस यस पीपल.
अब एक बात समझो, आप मुझे ये पूछोगे कि सर ये 11UA रूल नंबर क्या है, क्योंकि आपने ये बोला कि भाई शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट की वैल्यू, अब रूल नंबर 11UA के हिसाब से निकालो और 11UA जाके अगर आप देखोगे तो उसमें भी वही लिखा हुआ है कि लाइक ज्वेलरी के केस में क्या ओपन मार्केट में जो लाइक यू नो दैट सेल करते ऑर्डिनरी कोर्स में तो क्या प्राइस मिलती वही होगी। शेयर्स के लिए कोटेड के लिए मतलब लिस्टेड के लिए कुछ अलग मैनर है, अनलिस्टेड के लिए कुछ अलग मैनर है, ये आगे जाके एक बार अपन देखेंगे करके, ठीक है। चलो तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं, अपन ने दो चीजें पढ़ी अभी तक, और अगर दो चीजों को जो अपन ने पढ़ी यहां पे अगर आपके पास कुछ जगह खाली रही है तो डोंट वरी अबाउट दैट, आगे जाके भरा देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी कुछ ऐसा क्लेरिफिकेशन आ सकता है और वो क्लेरिफिकेशन आएगा तो उसको भी अपन कंसिडर करेंगे। चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट अपन चालू करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द सेक्शन 45(5) से रिलेटेड है। ऑल पीपल इधर देखो, जो अपन ने पढ़ा उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इधर देखो ठीक है। हाँ एक बार समझो, अपन ने स्टार्ट किया था, अपन ने ये बोला था कि देखो, अपन ने ये बोला था कि जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उसी ईयर में टैक्स लगता है और ट्रांसफर के ईयर में टैक्स लगता है, लेकिन ट्रांसफर के ईयर में टैक्स लगता है उसके कुछ एक्सेप्शन पढ़ रहे थे। सबसे पहला एक्सेप्शन पढ़ा था इनकेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इनकेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड योर ट्रांसफर इज टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन बट टैक्स विल बी पेड इन द ईयर इन विच सच स्टॉक इज सोल्ड। वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन ने कल वो क्वेश्चन भी किया था। आज का लेकिन जो पूरा लेक्चर अपन ने लिया मतलब एक घंटा अभी तक अपन पढ़ चुके हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि स्टॉक इन ट्रेड को आप कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा। इसमें इससे रिलेटेड लॉ में पहले कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, बट बाय फाइनेंस एक्ट 2018 उन्होंने अमेंडमेंट कर दिए। पहले बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट थे, कोई बोलता था कैपिटल के सॉरी पीजीबीपी में इनकम आनी चाहिए कन्वर्जन के टाइम पे, बट कोई कोई जजमेंट बोलते थे नहीं आनी चाहिए। एक यतेश ट्रेडिंग का जजमेंट था, वो बहुत बढ़िया जजमेंट था, वो बोलता था आनी चाहिए। तो उसको अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए लॉ मेकर्स ने बोला कि जैसे ही आपने कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया उसी ईयर में आपको पीजीबीपी का टैक्स लग जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो तुम्हारा पीजीबीपी में चला जाएगा। और उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि जब भी आप उस कैपिटल असेट को सेल करोगे तो आपको क्या लगेगा, कैपिटल गेन। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? यस। चलो अब तो इजी है नेक्स्ट पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू सेक्शन 45(5) और 45(5) क्या बोलता है समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मैं आपको जोक सुनाता हूं तो आपको अच्छा लगेगा करके, ठीक है। एक बात समझो ऑल पीपल, हुआ क्या, मैं मेरी बात करता हूं। मेरा एक घर था और ये रहा मेरा घर, ये रहा मेरा घर और ये मेरा घर बहुत ही प्यारा था। मैंने और मेरी वाइफ ने इस घर को एक एक पत्थर रख रख के बनाया था, बहुत मेहनत करके बनाया था मैंने और मेरी वाइफ ने। अब एक बात समझना, ये जो घर है ये प्रीवियस ईयर 1-2 में मैंने खरीदा था जिसका कॉस्ट था 5 लाख रुपया, बोर्ड पे देखते जाना ठीक है, 5 लाख रुपया कॉस्ट था। अब ये 5 लाख रुपया जो कॉस्ट था किसका था, घर का। अब घर का कॉस्ट 5 लाख रुपया था, हुआ क्या, बहुत खुशी खुशी मैं और मेरी बीवी इस घर में रहते थे। एक दिन कोई बंदा आया और वो बोलता है कि सर, मुझे आके बोलता है कि सर ये घर आपका है, मैंने कहा हाँ मेरा है, मेरी वाइफ भी वहां खड़ी थी पास में, और उसने बोला कि ये घर मोदी जी ले लेंगे बिकॉज यहां पे बुलेट ट्रेन बनने वाली है और जब बुलेट ट्रेन बन रही है आपका घर बीच में आ रहा है, हम इस घर को कंपलसरी एक्वायर कर लेंगे। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो, प्लीज आप ऐसा मत करो, हमने बहुत मेहनत करके बनाया है। वो बोलते हैं भैया आप कुछ भी करो, मोदी जी है किसी की नहीं सुनते करके, ठीक है डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी ला लिया, सब ला लिया करके, ऑपोजिशन में थे तो सब ऑपोजिट करते थे, ठीक है अब ला लिया उन्होंने सब, वो किसी की नहीं सुनते। मैंने बोला आप है ना जो बुलेट ट्रेन जो बना रहे हो वो आप ऐसे बना रहे हो ना, इसको प्लीज आप ऐसे 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 कर लो ना। वो बोलते भागो यहां से, आज के बाद ऐसा एडवाइस मत देना। और उन्होंने क्या किया पता है तुमको, मेरी एक ना सुनी और मेरा घर कंपलसरी एक्वायर कर लिया उन्होंने। ये जो है ये मेरा घर कंपलसरी एक्वायर कर लिया। मैं आपको क्या बताऊं मैं कितना रोया करके, ठीक है ये घर मेरा उन्होंने, ये जो बात है ये सपोज 12-13 की बात है, इन प्रीवियस ईयर 12-13 इन्होंने मेरा घर ले लिया, इन्होंने मेरा घर तोड़ दिया, देखो मेरा घर तोड़ दिया, मैं क्या करूं। इट्स कॉल्ड कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, उन्होंने एज पर लॉ मेरा घर कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा करके, ठीक है मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरा घर ले लिया उन्होंने। एक बात बताओ, कंपल्सरी एक्विजिशन होता है, आप ही बताओ ये ट्रांसफर माना जाता है कि नहीं माना जाता? आंसर इज यस।
ये ट्रांसफर माना जाता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 47 के हिसाब से, क्योंकि अगर आप 2 क्लॉज 47 जो ट्रांसफर का डेफिनेशन देखोगे उसमें क्या क्या देखा था, सेल एक्सचेंज रेलिंक्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, ट्रांसफर हो गया। लेकिन आपको पता है ना अपनी गवर्नमेंट है, अपने मोदी जी है करके, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको तब का तब कंपनसेशन नहीं देती है, बहुत बार कंपनसेशन लेट देती है, आपका घर तो ले लिया आप रोड पे आ गए करके, ठीक है, और कंपनसेशन बहुत लेट देती है, अब क्या करूं करके, ठीक है। अब एक बात समझो, हुआ क्या कि मुझे यहां पे जब कंपलसरी एक्वायर्ड हुआ तब मुझे कंपनसेशन मिला ही नहीं, उन्होंने कंपनसेशन मुझे जो दिया दैट इज इन प्रीवियस ईयर सपोज 15-16, और प्रीवियस ईयर 15-16 में जाके उन्होंने मुझे 30 लाख रुपया इस घर का दिया, 30 लाख रुपया फिक्स पहले हो चुका था कंपनसेशन, बट प्रीवियस ईयर 15-16 में जाके उन्होंने मुझे 30 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। अब एक बात बताओ, सेक्शन 45(1) तो क्या बोलती थी कि जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसी ईयर में टैक्स लगता है, बट आप लॉजिकली सोचो मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब हुई, जिस ईयर में कंपलसरी एक्वायर्ड हुआ, जिस ईयर में कंपलसरी एक्वायर्ड हुआ उस ईयर में मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, लेकिन क्या मेरे पास कुछ टैक्स भरने को पैसा आया क्या? आंसर इज नो, मेरे पास कुछ भी टैक्स भरने को पैसा नहीं आया, मेरे पास टैक्स भरने को पैसा ही नहीं है भाई। तो आप ही बताओ क्या ट्रांसफर वाले ईयर में टैक्स लगना चाहिए? ना बाबा ना, यहां पे टैक्स आपको उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव्ड होगा, मतलब जो भी कंपनसेशन है वो कंपनसेशन जिस ईयर में आपको रिसीव्ड हुआ उस ईयर में आपको टैक्स लगेगा, ये सेक्शन 45(5) बोलता है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, ट्रांसफर के ईयर में टैक्स लगता है, बट दिस इज द सेकंड एक्सेप्शन, इन दिस केस योर ट्रांसफर इज टुक प्लेस इन द ईयर इन विच योर प्रॉपर्टी इज कंपल्सरीली एक्वायर्ड, बट टैक्स विल बी पेड इन द ईयर इन विच सच कंपनसेशन इज रिसीव्ड, जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलेगा उसी ईयर में आपको टैक्स है वो आपको लगेगा। तो देखो एक बात बताओ, यहां टैक्स कैसे लगेगा? इधर देखो बेटा, ये जो 30 लाख मुझे मिला, इस 30 लाख को टैक्स कैसे लगेगा, कौन से ईयर में लगेगा? मैं बोलू प्रीवियस ईयर 15-16 में, असेसमेंट ईयर 16-17 में। आप ही बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? मैं बोलू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कंपनसेशन मिला वही हो जाएगा, और मुझे कंपनसेशन कितना मिला, कंपनसेशन 30 लाख रुपया मिला, तो वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब एक बात बताओ इस केस में, ट्राई टू अंडरस्टैंड एक चीज बताओ, इसमें सर कॉस्ट क्या लेंगे? 5 लाख, सिंपल सी बात है, जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है वो कॉस्ट 5 लाख लेंगे, तो माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन एक बात बताओ मुझे सर, यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक लेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक लेंगे? कंपनसेशन रिसीव्ड इन 15-16, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 1-2 से लेके 15-16 तक लेंगे या 1-2 से लेके 12-13 तक लेंगे? कन्वर्जन मतलब जो कंपलसरी एक्विजिशन की डेट तक पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे या फिर कंपनसेशन रिसीव्ड तक लेंगे? आंसर इज कंपलसरी एक्विजिशन तक लेंगे, मतलब यहां पे ये तुम्हारा पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगा। लॉजिकल है ना, देखो पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ऑलवेज टिल ट्रांसफर, मतलब एक्विजिशन से लेके ट्रांसफर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग, और यहां पीरियड ऑफ होल्डिंग 1-2 से लेके 12-13 तक लिया जाएगा, और यहां पे लॉन्ग टर्म है तो यहां इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा और आपको यहां इंडेक्स करने को मिलेगा। अब एक बात बताओ, यहां जब इंडेक्स करते हैं, इंडेक्स कैसे करेंगे पता है तुमको? इंडेक्स करने के लिए सबसे पहले 5 लाख। एक बात बताओ बबुआ, मल्टीप्लाई कौन से ईयर के इंडेक्स से करोगे, 15-16 या 12-13? अरे बोलो 15-16 या 12-13, मेरे को एक बात बताओ, मल्टीप्लाई कौन से ईयर के इंडेक्स से करोगे, 15-16 या 12-13? आंसर, राइट आंसर इज 12-13, नॉट 15-16, 12-13, और डिवाइड बाय 1-2 से, और जो भी आएगा आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यू गॉट माय पॉइंट ऑर नॉट? देखो हमेशा मल्टीप्लाई कौन से ईयर से होता है, इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो अपना ट्रांसफर का ईयर तो 12-13 ही था, वो तो टैक्स 15-16 में लग रहा है बट ट्रांसफर का ईयर तो तुम्हारा 12-13 ही था, तो 12-13 है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट ऑर नॉट? अरे बोलो ना, समझो कि नहीं समझो? समझो ना। अब एक बात समझना, हुआ क्या, तो वापस से इधर देखो जो पढ़ा अपन ने, सेक्शन 45(5) पढ़ते हैं, इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट। देखो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उसी ईयर में टैक्स लगता है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं सेकंड एक्सेप्शन, इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट,
transference took place in the year in which your asset is compulsorily acquired by government, but tax will be paid in the year in which compensation is received. तो जो compensation मिला वो full value of consideration, cost of acquisition, cost of improvement, index cost of acquisition, index cost of improvement less कर दो, आपको मिल जाएगा capital gain. लेकिन यहां एक चीज समझना, हुआ क्या, एक दिन मैं और मेरी वाइफ रात को बैठे थे, थोड़े दिनों पहले की बात है, 12-1 बजे का टाइम रहेगा, कहां बैठे थे पता है, बुलेट ट्रेन के नीचे, ऊपर से बुलेट ट्रेन जा रही थी, ठीक है, मोदी जी वाली अहमदाबाद, और हमारा घर टूट गया तो हम रोड पे आ गए, तो हम वहां रोड पे बैठे थे बुलेट ट्रेन के नीचे, वो पता है वो ऐसे लाइक क्या बोलते हैं, सर्दी का टाइम था तो वो सब आग वाग लगा के ऐसे बैठे थे, गांव में बैठते ना वैसे वाला. तो मेरी बीवी मुझे बोलती है स्वामी, मैंने कहा हाँ बोलो प्रिय, अपने घर का क्या सिर्फ 30 लाख ही मिलना चाहिए था? मैंने कहा नहीं यार, बहुत मेहनत करके बनाया था घर का, ज्यादा मिलना चाहिए था, 30 लाख से क्या होता है, हमको ज्यादा मिलना चाहिए था, बट बोलते 30 लाख ही दिया. मैंने कहा क्या करे अब यार, परेशान हो गए मोदी जी से, क्या करे अब. तो मेरी वाइफ ने बोला कि एक काम करते हैं स्वामी, कि अपन कोर्ट में चलते हैं. कहां चलते हैं? कोर्ट. कौन बोल रही है? मेरी वाइफ बोल रही है. मेरी वाइफ बोलती है कि अपन क्या करते हैं, अपन कोर्ट में चलते हैं. मैंने बोला पागल है, पगली हो गई है तू, कोर्ट वोट में? बोलते जाते अपन कोर्ट में. हम दोनों कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके हमको ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनाए, ऐसे देखो आधे वाले, ठीक है, ऐसे कपड़े पहनाए फटे पुराने, ठीक है, जिसमें पूरा शर्ट ही नहीं हो वैसे. और वहां कोर्ट में जाके हम रोने लग गए, बोला ए, हमको कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ मोदी जी ने 30 लाख दिया. और एक बात बताऊं, वहां कोर्ट में जैसे ही गए ना, वहां जज साहब को हम पे दया आ गई और इन्होंने बोला इन गरीबों को और कंपनसेशन दो, इन गरीबों को और कुछ कंपनसेशन दो. तो कोर्ट ने क्या किया, हमको और कंपनसेशन दिया इन द प्रीवियस ईयर 1819 सपोज, और 1819 में हमको 3 लाख रुपया और दे दिया. 1819 में 30 लाख हमको पहले मिल गया था, 1819 में हमको 3 लाख रुपया और मिल गया. और ये 3 लाख रुपया जो अभी मिला ना, दिस 3 लाख, इट इज कॉल्ड एज योर एडिशनल कंपनसेशन. क्या बोलेंगे इसको? एडिशनल कंपनसेशन बोलो या एनहांस्ड कंपनसेशन बोलो, एक ही बात है. और एक बात बताओ, जो पहले 30 लाख मिल गया था, इट इज कॉल्ड योर इनिशियल कंपनसेशन. इट इज कॉल योर इनिशियल कंपनसेशन. और जो बाद में अभी जो आपको मिला 3 लाख, दैट इज कॉल योर एनहांस कंपनसेशन. अब यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करना, सर ये 3 लाख पे टैक्स कैसे लगेगा? तो मैं बताऊं, इस 3 लाख पे टैक्स लगाने के लिए पहली चीज तो कौन से ईयर में लगेगा पता है? 1819 में. जिस ईयर में आपको एनहांस कंपनसेशन मिलेगा उस ईयर में उस पे 1819 में 3 लाख पे टैक्स लगेगा. और मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आ जाएगा यहां पे? 3 लाख. और आप एक बात बताओ, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप वापस लेस करोगे क्या? पहले आप ऑलरेडी लेस कर चुके हो ना 5 लाख, क्या वापस आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करोगे? आंसर इज नो. आपको लेस करने की जरूरत नहीं है, इसमें से कॉस्ट कुछ भी लेस नहीं होगा. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें से कुछ भी चीज लेस नहीं होगी, लेकिन इसमें से एक चीज लेस होगी, दैट इज लीगल चार्जेस. अगर कोई लीगल चार्जेस हुआ है, लिटिगेशन चार्जेस हुआ है, जैसे मैंने एडवोकेट को हायर किया तो एडवोकेट का जो फीस है, दैट इज कॉल्ड लिटिगेशन चार्जेस. सो इफ देयर इज एनी लिटिगेशन चार्जेस, देन दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द एनहांस कंपनसेशन वाले से, वो लेस हो जाएगा. तो अगर मान लो मेरा यहां लिटिगेशन चार्जेस है वो सपोज 50,000 हुआ है, तो जो लीगल चार्जेस है वो लीगल चार्जेस मेरा 50,000 यहां लेस कर दो और 2.5 लाख रुपए का मुझे गेन हो जाएगा. लेकिन नाउ क्वेश्चन इज दैट, सर जो 2,50,000 जो हुआ वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म? दैट 2,50,000 विल बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दैट डिपेंड्स ऑन योर ओरिजिनल कंपनसेशन. देखो ओरिजिनल कंपनसेशन जब लॉन्ग टर्म था, ये वाला जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला जो कंपनसेशन है LTCG था, ये अगर लॉन्ग टर्म था तो एनहांस वाला भी क्या होगा? लॉन्ग टर्म. और अगर ये शॉर्ट टर्म था पहले वाला, तो एनहांस वाला भी क्या होगा? शॉर्ट टर्म. बिकॉज अल्टीमेटली एक बात बोलू, कंपनसेशन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, दैट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट. एंड इफ दिस असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग जो मैं हाईलाइट किया, ये जो असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग है, इफ दिस पीरियड ऑफ होल्डिंग वॉज लॉन्ग टर्म, तो जो भी कैपिटल गेन होंगे वो सब क्या होंगे? लॉन्ग टर्म. और अगर ये शॉर्ट टर्म है तो जो भी कैपिटल गेन होंगे वो क्या होंगे? शॉर्ट टर्म. सीधी सी बात है. तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट हैज टू बी कंसिडर, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट हैज टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. इफ असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग वॉज लॉन्ग टर्म, देन इनिशियल एनहांस दोनों पे लॉन्ग टर्म होगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म होगा. तो वापस से एक बात बताओ, मैंने जो बोला उस चीज को एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. देखो
मैंने ये बोला कि नॉर्मली देखो टैक्स उस ईयर में लगता है जिस ईयर में ट्रांसफर होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन पड़ रहे हैं इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट इनटू सॉरी इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट ट्रांसफर इज टू प्लेस इन द ईयर इन विच योर असेट इज कंपलसरीली एक्वायर्ड बट टैक्स विल बी पेड इन द ईयर इन विच कंपनसेशन इज रिसीव्ड. तो कंपलसरी एक्विजिशन के ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा, कंपनसेशन रिसीव्ड के ईयर में टैक्स लगेगा. जैसे कंपनसेशन पहला वाला मिला तो उस ईयर में उस पर टैक्स, एनहांस मिला तो एनहांस वाले पे उस ईयर में टैक्स करके. ठीक है, ध्यान रखना. हाँ, अब एक चीज समझो सर, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिल जाए, दैट मे हैपन ना करके. ठीक है, क्या भरोसा. चलो मैं इसको थोड़ा सा इसको डिलीट कर रहा हूं, मतलब कुछ चीजों को, क्योंकि मेरे को थोड़ा उसको इधर लेना है, इसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज करना है मुझे. चलो ये मेरा घर है, ये कंपलसरी एक्वायर हुआ था, मैं थोड़ा नया ही लिख लेता हूं. इधर देखो बेटा, अब हुआ क्या, 12-13 में कंपलसरी एक्वायर्ड हो गया. ठीक है, अब हुआ क्या, प्रीवियस ईयर 15-16 में उन्होंने मुझे 30 लाख रुपया बोला कंपनसेशन मिलेगा, 30 लाख. ठीक है, अब एक चीज समझना, इस 30 लाख में से क्या हुआ पता है, इस 30 लाख में से सपोज इंस्टॉलमेंट में दे दिया उन्होंने, मतलब 10 लाख तो बोला प्रीवियस ईयर 15-16 में मिलेगा और बाकी 20 लाख है वो मान लो लेटर पार्ट में मिला इन द प्रीवियस ईयर 1920 में जाके. And this 30 lakh was initial compensation. Initial compensation मतलब compensation in first instance, जो government बोलती है कि इतना तो आपको मिलेगा ही, that is called initial compensation. जो government ने वादा किया है तो निभाना पड़ेगा वो वाला. ठीक है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा और वो निभाने वाला है कंपनसेशन है, दैट इज 30 लाख. गवर्नमेंट ने बोला आपको 30 मिलेगा. देखो जब भी अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर होती है गवर्नमेंट एक अमाउंट एक्स अमाउंट देता है, बोला इतना मिलेगा, दैट इज इनिशियल. ठीक है, अब इस 30 में से 10 लाख इज रिसीव्ड इन 15-16 एंड 20 लाख इज रिसीव्ड इन 1920. नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ इट विल बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल कैसे होगा. तो लॉ क्या बोलता है पता है, कि इनिशियल कंपनसेशन अगर आपको इंस्टॉलमेंट में मिला, ये है ये इनिशियल कंपनसेशन है, ये 30 लाख जो है इफ ये इंस्टॉलमेंट में मिला तो ये पूरा 30 लाख उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी. मतलब ये पूरा 30 लाख उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी. और एक बात बताओ, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको कौन से ईयर में मिली है, 15-16. तो 15-16 में तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सीधा कितना हो जाएगा, 30 लाख. आपको मिला 10 लाख तो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30 लाख. मतलब पूरा कंपनसेशन टोटल 30 लाख विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड. नो, आप बोलोगे सर ऐसा एक बात बताओ, आप मुझे ऐसा तो सर बोल रहे हो कि पूरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, बट सपोज यहां 10 लाख की जगह सिर्फ एक रुपया ही मिला होता तो, और बाकी वाला सब बाद में मिलेगा, सिर्फ एक रुपया मिला होता तो. देखो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, नॉर्मली होता नहीं है. गवर्नमेंट आपको जब कंपनसेशन का कोई इंस्टॉलमेंट देती है तो एटलीस्ट आपको 20% या उससे ज्यादा देगी इंस्टॉलमेंट, जिससे कि आप अपना टैक्स भर सको. तो कभी भी 30 लाख का कंपनसेशन है तो ऐसा नहीं कि 1 रुपीज अभी दिया और बाकी बाद में देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट. एटलीस्ट दे विल गिव यू द 6 लाख इन द फर्स्ट इंस्टेंस, सो यू कैन पे योर लाइक गवर्नमेंट ड्यूज और यू कैन से दैट यू कैन पे योर इनकम टैक्स. इसके लिए दे विल गिव यू एटलीस्ट 20 लाख रुपीज. तो डोंट थिंक लाइक दैट कि सर एक ही रुपया मिला तो क्या होगा. ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है. तो देखो मैंने क्या बोला, अगर इनिशियल कंपनसेशन आपको इंस्टॉलमेंट में मिला तो होल इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड. लेकिन एक चीज समझना, जो एनहांस कंपनसेशन है, एनहांस कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपका प्रीवियस ईयर 19-20 में आपको गवर्नमेंट ने बोला कि आपको मिलेगा 5 लाख एनहांस. ठीक है, 5 लाख एनहांस मिलेगा, कोर्ट वोट में गए थे. अब 5 लाख एनहांस मिलेगा, इसमें से 2 लाख है ना वो तो 1920 में मिल गया और ये 3 लाख है वो सपोज 2021 में मिला. जो एनहांस कंपनसेशन है अगर वो इंस्टॉलमेंट में मिला तो क्या होगा, जो एनहांस कंपनसेशन है वो इंस्टॉलमेंट में तो क्या मिला तो क्या होगा. अब यहां उल्टी चीज है, यहां पे इन्होंने क्या बोला पता है कि एनहांस कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिला तो इट विल बी टैक्सेबल एज एंड वेन रिसीव्ड. मतलब जब मिलेगा तब वो टैक्सेबल होगा. तो मैं बताऊं यहां पे 2 लाख टैक्सेबल होगा 1920 में,
ये 2 लाख जो है वो टैक्सेबल होगा तुम्हारा 1920 में, और बाकी वाला 3 लाख है ये टैक्सेबल होगा तुम्हारा 2021 में। तो 2 लाख विल बी टैक्सेबल इन 1920 और 3 लाख विल बी टैक्सेबल इन 2021। बट आपका डाउट यहां पे ये होगा कि सर मान लो अगर कोई लिटिगेशन खर्चा है तो वो कौन सी इंस्टॉलमेंट से लेस करेंगे एनहांस कंपनसेशन से। तो मैं बता दूं, अगर लिटिगेशन का खर्चा है तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से उसको लेस कर दोगे, जो भी पहली इंस्टॉलमेंट रहेगी उससे आप उसको लेस कर दोगे लिटिगेशन के खर्चे को। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो आ जाओ आप अपनी बुक पे एक बार, सब लोग इधर देखना, सब लोग इधर देखना, देखो क्या लिखा हुआ है। 45(5) दैट इज अ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट। असेट का कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 45(1)। एक बात बताओ, इन्होंने 45(1) को सबसे पहले ओवरराइड कर दिया। यहां 45(1) को ओवरराइड करना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि 45(1) ये बोलती थी कि जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उस ईयर में टैक्स लगेगा, एंड दिस इज द एक्सेप्शन टू दैट सेक्शन। तो क्या लिखा है देखो, वियर अ कैपिटल असेट इज कंपल्सरीली एक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, अगर किसी भी लॉ में कंपल्सरी एक्वायर्ड होती है, और वियर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट is to be determined or approved by central government or RBI. जो central government RBI है वो compensation को approved करती है। Normally central government RBI ही करती है, जो compulsory acquisition होते हैं जितने भी उसका जो compensation है that is approved by RBI और central government करके, ठीक है। Then the capital gain arising from the transfer of capital asset shall be dealt with as under, कैसे? सबसे पहले The capital gain computed with reference to the original compensation, that is initial compensation, shall be chargeable to tax as income of the previous year in which compensation or part thereof. देखो part thereof का मतलब क्या होता है? Installment. अगर आपको installment भी मिली is first received by assessee. मतलब जिस ईयर में आपको इंस्टॉलमेंट या पूरा compensation मिला, first instance आपको जब first installment भी मिली उस ईयर में पूरा taxable हो जाएगा। The amount by which the compensation is enhanced, that is called enhanced compensation, by the court or tribunal or other authority shall be deemed to be as income under the head capital gain of the previous year in which such amount is received by assessee. देखो यहां पे सिंपल सी बात बोली है कि the amount by which the compensation is enhanced, अगर enhanced compensation है, by the court, या तो court enhance करती है, ट्रिब्यूनल एनहांस करती है, या एनी अदर अथॉरिटी एनहांस करती है, शैल बी डीम टू बी द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच अमाउंट इज रिसीव्ड। मतलब जिस ईयर में आपको मिलेगा उस ईयर में टैक्स लगेगा, तो अगर इंस्टॉलमेंट में भी मिला तो जैसे जैसे मिलेगा जैसे वैसे 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 टैक्स लगेगा। ये वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, मैं आपको समझाऊंगा, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग केस करके, ठीक है। इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब एक बात बताओ, आगे जाके ऐसा भी तो हो सकता है कंपनसेशन कम हो जाए, That may happen ना। Compensation कम भी तो हो सकता है, अगर भाई ज्यादा हुआ तो जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, बट compensation कम भी तो हो सकता है। गवर्नमेंट ने पहले 30 लाख दिया इनिशियल, ठीक है, अब लिटिगेशन में गए और आगे जाके और वो compensation 25 लाख हो गया, अब 30 पे आपने टैक्स भरा हुआ है और वो compensation 25 लाख हो गया, अब क्या करेंगे? तो अगर compensation रिड्यूस होता है तो बेसिकली क्या होगा पता है, कि जिस ईयर में वो रिड्यूस का ऑर्डर आया उस ईयर में वो पुराने वाला जो टैक्स लगा होगा जिस ईयर में, उस ऑर्डर को हम रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफिकेशन आपने देखा होगा, जब आप ऑनलाइन जाते हो ई फाइलिंग पे तो वहां पे एक सेक्शन रेक्टिफिकेशन की दिखती है, 154 में आजकल ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन होता है। तो भैया अपन क्या करेंगे, 154 में रेक्टिफिकेशन कर देंगे वो पुराना वाला ऑर्डर। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, हुआ क्या, सपोज ये 15-16 में आपने 30 लाख पे टैक्स भर दिया, 30 लाख को लेके और आपने टैक्स भर दिया 15-16 में, बिकॉज आपको कंपनसेशन मिला था। आगे जाके लिटिगेशन में और ये जो बात हुई, इन्होंने क्या किया, सपोज एक कोर्ट का ऑर्डर आया और वो आया 16 जुलाई 2022 को जाके, और इन्होंने बोला कि आपका कंपनसेशन जो पहले जो था जो 30 लाख था वो 30 लाख नहीं, आपको तो 25 ही मिलना चाहिए था। तो 25 मिलना चाहिए था, तो जिस ईयर में आपको टैक्स लगा था, आपको टैक्स कौन से ईयर में लगा था, 15-16 में,
ये 15-16 का जो असेसमेंट ऑर्डर रहेगा या इंटीमेशन रहेगा उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, और रेक्टिफाई करके उसमें वापस 25 लाख लिया जाएगा, और आपने जो ज्यादा टैक्स भरा है वो टैक्स का वापस से आपको रिफंड मिल जाएगा, अलोंग विद द इंटरेस्ट आपको रिफंड है वो रिफंड गवर्नमेंट दे देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना, आपको ये चीज याद रहेगी कि रेक्टिफिकेशन 4 साल में होता है, तो सर वो 4 साल तो चला गया ना, क्योंकि 15-16 का ऑर्डर था, तो अब तो अपन 22 में आ गए, तो ये 4 साल कहां से काउंट होगा। तो इन्होंने यहां पे क्या बोला कि जिस ईयर में ऐसा ऑर्डर आया कि कंपनसेशन को कम करने का, जैसे 22-23 में आया, तो 22-23 से 4 साल का टाइम मिलेगा असेसिंग ऑफिसर को, मींस यहां पे ये वाला ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2023 को, और वहां से 4 साल मींस 31 मार्च 2027 तक, यहां तक असेसिंग ऑफिसर है वो 15-16 के ऑर्डर को अमेंड करेगा और उसको रेक्टिफाई करेगा। यू गॉट माई पॉइंट ऑन दैट? अरे बोलो, तुमको समझा के नहीं समझा? नहीं समझा तो कोई बात नहीं, एक बार असेसमेंट पढ़ेंगे तो ये 4 साल वाला फंडा आपको वहां पे समझेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर इन द असेसमेंट फॉर एनी ईयर द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द कंपनसेशन रेफर्ड इन क्लॉज ए और एज द केस में बी एनहांस कंपनसेशन इन क्लॉज बी। मतलब पहले कैपिटल गेन लग चुका है, आपने कैपिटल गेन लग गया है, आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, आपको जो भी इनिशियल कंपनसेशन मिला, एनहांस कंपनसेशन ए बी में मिला, उसके हिसाब से सबसीक्वेंटली सच कंपनसेशन इज रिड्यूस्ड। क्या होता है? रिड्यूस मतलब कम होता है वो कंपनसेशन। बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी सच असेस्ड कैपिटल गेन फॉर दैट ईयर शैल बी रिकम्प्यूटेड, उस ईयर का जिस ईयर में टैक्स लगा था उस ईयर का वापस से रिकम्प्यूटेशन होगा। By taking the compensation as so reduced, मतलब जो reduce वाला compensation है वो लेंगे tribunal और other authority to be the full value of consideration, वो full value of consideration मान लेंगे, rectification होगा 155-16 करके होती है, rectification 154 में होता है, but ये जो case है ये section 155-16 में दे रखा है। Ultimately always rectification is done in 154 only, but ये special case है, ये लिखा हुआ 155-16 में है, ठीक है, done। उसके आगे आपको कुछ जगह दे रखी है, चलो मैं जैसा कुछ लिखवाता हूं वैसा लिखो, पहले मैं जो लिखवा रहा हूं वो लिखो। लिखो जनरली कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, जनरली कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर in which transfer took place, in which transfer took place, but in case of compulsory acquisition of capital asset, but in case of compulsory acquisition of capital asset, but in case of compulsory acquisition of capital asset, transfer took place in the year in which asset compulsorily acquired, in which asset compulsorily acquired, but tax will be paid in the year, but tax will be paid in the year in which compensation received, in which compensation received। अब देखो इनिशियल कंपनसेशन के लिए कैसे करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगा आपका, इनिशियल कंपनसेशन इसमें से लेस क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये आप लेस कर दोगे, और लेस करने के बाद आपको जो मिलेगा इट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी है, और आप एनहांस कंपनसेशन के लिए क्या करोगे, एनहांस कंपनसेशन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही एनहांस कंपनसेशन,
कंपनसेशन माइनस सिर्फ आपका जो लीगल चार्जेस वगैरह है, लिटिगेशन चार्जेस, चार्जेस आपको मिल जाएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको कॉपी मारो एक बार, इसको कॉपी मारो, इसके बाद मैं आपको वो इंस्टॉलमेंट वाला वगैरह चीज लिखवाता हूं। डन। चलो अब इसके नीचे लिखो हेडिंग करके कंपनसेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, इसके नीचे लिखो कंपनसेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, कंपनसेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट लिखो। पहले ए पॉइंट करके लिखो इनिशियल कंपनसेशन, पहले ए पॉइंट करके लिखो इनिशियल कंपनसेशन, लिखो इफ इट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, इफ इट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट देन होल इनिशियल कंपनसेशन, होल मतलब टोटल, होल इनिशियल कंपनसेशन, होल इनिशियल कंपनसेशन शैल बी टैक्सेबल, शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। नेक्स्ट लाइन में लिखो एनहांस कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन लिखो इफ एनहांस कंपनसेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, या इफ इट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट देन इट विल बी टैक्सेबल, देन इट विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड, एज एंड व्हेन रिसीव्ड, जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे टैक्सेबल लगेगा। ओके एज एंड व्हेन रिसीव। अब एक और चीज समझना, आपको पता है कंपनसेशन कभी कभी लेट मिलता है, गवर्नमेंट 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद कंपनसेशन देती है बहुत बार। तो कंपनसेशन जब भी लेट मिलता है तो गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देती है। क्या देती है? इंटरेस्ट। देखो कंपनसेशन कहां टैक्सेबल होगा तुम्हारे, कंपनसेशन जो है वो तो टैक्सेबल होगा तुम्हारे कैपिटल गेन में, बट जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होगा तो मैं बता दूं, दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। IFOS में जाता है और IFOS में आपको 50% का डिडक्शन भी मिलता है और ये टैक्सेबल उस ईयर में होता है जिस ईयर में इंटरेस्ट मिलता है। तो इफ एनी इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन इज रिसीव्ड दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड एंड यू विल एबल टू गेट द 50% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब फ्लैट 50% आपको डिडक्शन, इंटरेस्ट मिला 2 लाख, टैक्सेबल कितना होगा 1 लाख।
Suppose you received interest 70,000, taxable is only 35,000. You got my point or not? Yes, chalo. So all people, एक बार आपको चाहिए तो एक काम करो, यहां पे कुछ नोट्स दे रखे थे, ये नोट्स एक बार पढ़ो ना सब, यहां से लेके और यहां तक ये नोट्स एक बार पढ़ो, उसके नीचे जगह कुछ खाली रहेगी, ऑब्वियसली वो खाली जरूरत है जगह की, ठीक है, यहां ऊपर जो जगह खाली है उसकी जरूरत है, एक काम है, वो एक छोड़ा है ना ऊपर वो वाला पढ़ना है, ये नोट्स पढ़ो पहले, ऑल नोट्स, नोट्स पढ़े, पढ़ रहे हैं, पढ़ो फटाफट पढ़ो जल्दी, मम्मी सुन लेंगे, पढ़ो, हाँ पढ़ाई करो, रुक चुप चाप, कहाँ देख रहे हो, चलो ये हो गया, अब अपन एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं, देखो आ जाओ सब लोग क्वेश्चन पे, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है भाई और इस क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग, देखो क्या दे रखा है इसमें, देखो एन असेसी परचेज अ लैंड ऑन 1/1/2002 में खरीदा था, ठीक है, 4 rupees 1 lakh. The land is acquired by government on 1/1/2012. 1/1/2012 मतलब 11/12 में, previous year में government ने ले ली. And original compensation awarded 12 lakh, which is received as under. Original compensation 12 lakh है, but वो कैसे मिला पता है? 3 lakh है, वो तो इस year में मिल गया, 12/13 में मिला, 11/12 में acquire हुआ था, 12/13 में कितना मिला? 3 lakh. 6 लाख है वो आपको 14/15 में मिला, एंड 3 लाख है वो आपको 15/16 में मिला. मैं बोलू टोटल टैक्सेबल कौन से ईयर में होगा? प्रीवियस ईयर आपका 12/13. 12/13 मतलब जिसमें आपको ये पहली इंस्टॉलमेंट मिली, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली, उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा. दिस वॉज इनिशियल कंपनसेशन, ओरिजिनल कंपनसेशन. अब एक बात समझना, ऑन एन अपील मेड बाय एसएससी द कोर्ट अवॉर्डेड द एडिशनल कंपनसेशन ऑफ 20 लाख ऑन 31/12/2014 विच इज रिसीव्ड एज अंडर, और उन्होंने कोर्ट ने 20 लाख का एडिशनल कंपनसेशन और दिया, और ये कैसे मिल रहा है पता है? ये मिल रहा है 15/16 में, दैट इज 15/16 में 2 लाख, उसके बाद 16/17 में 10 लाख, 17/18 में 4 लाख और 18/19 में 4 लाख. तो ये रेस्पेक्टिव ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा एज एंड व्हेन रिसीव, क्योंकि एनहांस कंपनसेशन है. The court also awarded interest at the rate 12% per annum for the period of 1/1/2012 से लेके 31/12/2016 तक 3,80,000 and which is received in this year. मतलब 1 March 2019 को, इस साल में उसको मिला, तो इस साल में वो IFRS में taxable होगा. जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में IFRS में taxable होगा. तो स्टार्ट करेंगे हम लोग. तो सबसे ऊपर आपको जो नेम ऑफ असेसी लिखना है वो तो आपको लिख सकते हो, असेसी का नाम कुछ दे नहीं रखा है करके, ठीक है, सीधा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. सबसे पहले इनिशियल कंपनसेशन, ठीक है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं इनिशियल कंपनसेशन, और इनिशियल कंपनसेशन पे टैक्स कौन से ईयर में लगेगा ये बोलो ना. इनिशियल कंपनसेशन आपको पहला 12/13 में मिला था, हां बाबा 12/13, तो प्रीवियस ईयर 12/13, असेसमेंट ईयर 13/14. सबसे पहला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मैं बोलू पूरे पे टैक्स लग जाएगा, कितने पे? 12 लाख पे, तो पूरा 12 लाख. ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ नहीं. अब एक बात बताऊं, यहां पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? तो मैं आपको चाहिए तो यहां पे एक जगह लिख लेता हूं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ अ सेट. तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ अ सेट कब खरीदा था आपने? 1/1/2002 से लेके
1/1/2012 को एक्वायर किया तो 31 दिसंबर 11 तक ये पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म है, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा, इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो आपको एक बात बताओ, यहां पे सॉरी हाँ 31/12/11 तक ही है ना, हाँ 11/12। चलो अब एक बात बताओ, कॉस्ट कितना था आपका 1 लाख, सो 1 लाख को इंडेक्स करोगे माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 1 लाख। एक बात बताओ मल्टीप्लाई कौन से ईयर के इंडेक्स से करोगे, 12/13 से करोगे या 11/12 से करोगे, 12/13 से करोगे मल्टीप्लाई या 11/12 से करोगे? आंसर इज 11/12 से करोगे ना बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय 11/12 का इंडेक्स नंबर क्योंकि कंपलसरी एक्वायर्ड हुआ, और डिवाइड बाय 1/2 का इंडेक्स क्योंकि 1/2 में एक्वायर किया था, आई थिंक यस 1/2 में एक्वायर किया था और ट्रांसफर हुआ, गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर किया वो 11/12 में किया, तो 11/12 का इंडेक्स नंबर क्या है, 11/12 का इंडेक्स नंबर इज 184। डिवाइड बाय 100 तो 1,84,000 हो जाएगा, आई थिंक आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा, 12 लाख माइनस 184 इट्स कम्स टू 10,16,000। ठीक है चलो, अब उसके बाद एक बात समझना, अपन एनहांस कंपनसेशन की बात करते हैं, तो एनहांस कंपनसेशन पे जिस ईयर में मिला उस ईयर में लगेगा, तो इन केस ऑफ एनहांस कंपनसेशन, अब एक बात समझना, मैं सीधा ईयर ही लिख लूं के यहां पे, क्योंकि अलग अलग करने से बेटर है एक ही लाइन में बना दूंगा, ऊपर ही लिख लेता हूं प्रीवियस ईयर वो एंड वो, प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, तीन इंस्टॉलमेंट मिली है, चार है, ओ चार इंस्टॉलमेंट है एनहांस की, तो चार प्रीवियस ईयर, एक और ले लेते हैं, ये लो एक और। ठीक है, सबसे पहला कौन सा प्रीवियस ईयर है, 15-16, दिस इज इन 15-16 आई थिंक, फर्स्ट इज 15-16, प्रीवियस ईयर 15-16, प्रीवियस ईयर 16-17, प्रीवियस ईयर 17-18, प्रीवियस ईयर 18-19, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितना आपको मिला, कितना मिला बेटा, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 2, 10, 4, 4, तो 2 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 4 लाख माइनस लिटिगेशन चार्जेस कुछ है क्या, नहीं है तो कुछ भी नहीं लेने का, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल के, 2 लाख, 10 लाख, 4 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, अब आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस IFOS, प्रीवियस ईयर कौन से ईयर में इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट कौन से ईयर का है उससे मतलब नहीं है, जिस ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा उस ईयर में आपको टैक्सेबल होगा, तो इंटरेस्ट जो है दैट इज कौन से ईयर में मिला, 18-19 में मिला 380, 18-19 में मिला 380, प्रीवियस ईयर 18-19, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,80,000 माइनस डिडक्शन 50%, सीधा फ्लैट 50% का डिडक्शन मिलता है इसमें, 1,90,000, तो 1,90,000 है
ये तुम्हारा IFRS का इनकम बन जाएगा प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए, ठीक है। चलो कॉपी मारो इसको फटाफट, सेक्शन 57 होता है इसमें ये डिडक्शन मिलता है, ठीक है, फटाफट कॉपी मारो इसको। इसको कॉपी करने के बाद, ये तो हो ही गया होगा, इसको कॉपी करने के बाद जो ऊपर एक लाइन छोड़ा था ना वो आपको रीड करना है, और उसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा, वो लाइन रीड करना है, उसके बाद आई विल गिव यू द ब्रेक। डन पीपल, चलो सब लोगों का हो गया हो तो अब मैं जो बोलता हूं उस पे आओ एक बार आप। चलो एक बात समझो, ऊपर हमने एक लाइन छोड़ दी थी, एक लाइन हमने छोड़ दी थी ये वाली, आप मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है, आप मुझे बताओ, आप लोगों ने पढ़ा इसको, आप मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है। प्रोवाइडेड दैट, देखो ऊपर इन्होंने क्या बोला था, पहले ऊपर को वाले को पढ़ो तो प्रोवाइडेड समझ में आएगा, प्रोवाइडेड का मतलब एक्सेप्शन और यू कैन से दैट प्रोविजो। देखो ऊपर क्या बोला था कि ओरिजिनल कंपनसेशन के लिए जिस ईयर में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली, पार्ट देर ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिस ईयर में मिली उस ईयर में टैक्सेबल होगा। दूसरा ये एनहांस के लिए क्या बोलते हैं, एज एंड वेन टैक्सेबल होगा, जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, एज एंड वेन टैक्सेबल, जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा।
अब इससे रिलेटेड एक एक्सेप्शन है और यू कैन से दैट इससे रिलेटेड एक प्रोवाइजो है. वो प्रोवाइजो क्या बोलता है समझना, कि प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड इन परसुएंस ऑफ एन इंट्रीम ऑर्डर, अंडरलाइन द वर्ड इंट्रीम ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर ऑफ सच कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटीज मेड. बस वापस बोल रहा हूं क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड इन परसुएंस ऑफ द इंट्रीम ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द फाइनल ऑर्डर ऑफ सच कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटीज मेड. मतलब अगर इंट्रीम ऑर्डर की वजह से आपको कोई कंपनसेशन मिला, किसकी वजह से मिला, इंट्रीम ऑर्डर, इफ एनी कंपनसेशन इज रिसीव ड्यू टू द इंट्रीम ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर की वजह से अगर आपको कंपनसेशन मिला तो दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड. ये यही बोल रहे हैं, ये यही तो बोल रहे हैं. आप लोग इसको पढ़ो वापस क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड इन परसुएंस ऑफ इंट्रीम ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी. देखो नॉर्मली तो क्या बोला हुआ है, जो इनिशियल कंपनसेशन है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला उस ईयर में टैक्सेबल, एनहांस कंपनसेशन है वो एज एंड व्हेन रिसीव जब मिलेगा तब टैक्सेबल. ये नॉर्मली एनहांस के लिए बोल रहा है, ये जो बोल रहा है ये एनहांस के लिए बोल रहा है कि भाई एनहांस कंपनसेशन पहले तो अपन ने क्या देखा था, जैसे मिलेगा वैसे टैक्सेबल होगा एज एंड व्हेन रिसीव, लेकिन अगर किसी कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर की वजह से मिला तो दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड. लिखो एक बार इसके नीचे आपके पास जगह रहेगी वहां पर लिखो, आपके पास जो जगह है वहां पे लिखो, इफ एनी एनहांस कंपनसेशन, मैं इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, इफ एनी एनहांस कंपनसेशन इज रिसीव्ड ड्यू टू इंट्रीम ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, इफ एनी एनहांस कंपनसेशन इज रिसीव्ड ड्यू टू इंट्रीम ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट due to interim order of any court, then such compensation shall be taxable in the year in which final order is made. फाइनल ऑर्डर इज मेड. चलो एक एग्जांपल लेता हूं और आपको उसमें कंफ्यूज करता हूं, ठीक है. यह होता कब है बेसिकली, कि जैसे मान लो मेरा एक घर और मेरा घर ले लिया, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं, बहुत कम पैसा दिया, और गवर्नमेंट ने जितना पैसा दिया उससे तो हमने सिर्फ लोन पे कर पाए, जो लोन लिया हुआ था वो लोन पे कर दिया बस, उससे ज्यादा हमारे पास पैसा बचा ही नहीं. हुआ क्या, हम कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके रोने लगे, मैं और मेरी बीवी रोने लगे, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ में थे, ठीक है, और बच्चे बोलते हैं मम्मी पेंसिल, मम्मी बिस्किट दो, खाना है, ये वो, मतलब रोने लगे, दया आ गया, ऐसी हालत थी. तो जज साहब जो थे वो जज साहब ने क्या बोला कि लाइक अभी तक इन्वेस्टिगेशन करके फाइनल ऑर्डर पास होने में टाइम लगेगा, मैं एक काम करता हूं इंट्रीम ऑर्डर, इंट्रीम का मतलब होता है टेम्पररी ऑर्डर पास करके मैं आपको 10 लाख दिला देता हूं. तो टेम्पररी ऑर्डर पास करके उन्होंने हमको 10 लाख दिला दिया, ठीक है, फाइनल ऑर्डर अभी तक पास नहीं हुआ. तो वो 10 लाख जो मिला ना, एक बात बताओ उसका क्या सर्टिनिटी, वो सर्टिनिटी आई नहीं, क्योंकि हो सकता है फाइनल ऑर्डर में वो रहे ही नहीं, या फाइनल ऑर्डर में और बढ़ जाए करके, ठीक है. तो जो तुम्हारा इंट्रीम ऑर्डर से जो कंपनसेशन मिला, इंट्रीम का मतलब टेम्पररी ऑर्डर से जो कंपनसेशन मिला, दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड. चलो आपको ऐसा लग रहा है आपको ये चीज समझ में आई, बट मैं अभी एक क्वेश्चन लूंगा और वो क्वेश्चन में जब मैं आपको घुमाऊंगा तो आप घूम जाओगे करके, ठीक है. देखो ऑल पीपल, देखो इधर देखो बेटा, एक एग्जांपल लेता हूं, समझना चीजों को, और आप में से 50% लोग यहां गलत आंसर करने वाले, पहले बता दो 50% लोग गलत आंसर करने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर. आपके लिए आपकी डिस्प्ले पे एक क्वेश्चन आने वाला है और आपके लिए वो क्वेश्चन ये रहा, एक एसएससी है जिसका नाम है मान लो मिस्टर बीबी एसएससी है, वो कोर्ट में गया,
एनहांस कंपनसेशन के लिए, एनहांस कंपनसेशन के लिए, ठीक है। और कोर्ट ने क्या किया, इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 18-19 जो आपके एग्जाम के लिए है, इंट्रीम ऑर्डर, इंट्रीम ऑर्डर है, इंट्रीम ऑर्डर पास्ट कर दिया, क्या कर दिया, इंट्रीम ऑर्डर पास्ट एंड ग्रांटेड कंपनसेशन ऑफ ₹7,00,000। चीजों को समझना, इंट्रीम ऑर्डर पास किया और इंट्रीम ऑर्डर से गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दे दिया, कितना दिया, 7,00,000 का। कब दिया, प्रीवियस ईयर 18-19 में, 18-19 में इंट्रीम ऑर्डर पास किया, 7,00,000 का कंपनसेशन दे दिया इंट्रीम ऑर्डर की वजह से, ठीक है। इन प्रीवियस ईयर 18-19 इंट्रीम ऑर्डर पास्ट एंड ग्रांटेड कंपनसेशन 7,00,000। अब चीजों को समझना है, हुआ क्या, इसके बाद फाइनल ऑर्डर पास हुआ, फाइनल ऑर्डर पास्ड इन ईयर, इन प्रीवियस ईयर सपोज 2021 में फाइनल ऑर्डर पास हुआ एंड डिसाइडेड कंपनसेशन ऑफ ₹12,00,000। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 12,00,000 मिलना चाहिए, मतलब कोर्ट ने बोला आपको 12,00,000 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इन द प्रीवियस ईयर 18-19 इंट्रीम ऑर्डर पास हुआ, 7,00,000 दे दिया, प्रीवियस ईयर 2021 में फाइनल ऑर्डर पास हुआ और आपको 12,00,000 है वो डिसाइड हुआ। अब इसमें से एक चीज समझना, ये 2021 में फाइनल ऑर्डर पास हुआ है, बोर्ड पे देखते जाना। अब हुआ क्या, इसमें से आप एक बात बताओ, जो 7,00,000 तो ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका था पहले, ऑलरेडी रिसीव्ड, आप बताओ ये 7,00,000 कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा। मैं बोलू टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 2021, भाई सीधी सी बात है, जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर बनाया उस ईयर में, ठीक है। अब एक बात बताना, ये जो रिमेनिंग 5,00,000 है, बैलेंस 5,00,000, ये रिसीव्ड हो गया 2021 में, तो ये भी कौन से ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, 2021। चलो डन, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन मेरा अब चालू होगा, इधर देखो वापस से, अब इधर देखना सब लोग, इंट्रीम ऑर्डर पास हो गया 18-19 में और इंट्रीम ऑर्डर से कंपनसेशन कितना दे दिया, 7,00,000। इंट्रीम ऑर्डर पास हो गया 18-19 में, इंट्रीम ऑर्डर से कंपनसेशन दे दिया 7,00,000। फाइनल ऑर्डर पास हुआ 2021 में, ये जो 2021 दिख रहा है इसमें फाइनल ऑर्डर पास हुआ, मैंने जो हाईलाइट किया है 2021 में फाइनल ऑर्डर पास हुआ। तो एक बात बताओ, ये जो 7,00,000 है, ये 7,00,000 कंपनसेशन तो 2021 में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, सपोज ये जो 5,00,000 का कंपनसेशन है, ये आपको रिसीव्ड हुआ इन प्रीवियस ईयर 23-24। माय क्वेश्चन इज व्हेन इट विल बी टैक्सेबल, टैक्सेबल कौन से ईयर में ये होगा 5,00,000। देखो 7,00,000 टैक्सेबल 2021 में होगा, बिकॉज जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर बनेगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या देखो, इंट्रीम ऑर्डर पास हुआ था, 7,00,000 मिल गया था, वो टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड, फाइनल ऑर्डर इज मेड इन 2021 एंड डिसाइडेड कंपनसेशन इज 12,00,000। सो 2021 में 7,00,000 तो टैक्सेबल हो जाएगा। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, 5,00,000 है वो रिसीव्ड हुआ 23-24 में, व्हेन 5,00,000 विल बी टैक्सेबल, 5,00,000 है वो 5,00,000 कब टैक्सेबल होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, आप मुझे बताओ व्हेन इट इज टैक्सेबल, टैक्सेबल इन, कौन बोल रहा है टैक्सेबल इन 2021, यस 2021 बहुत बोल रहे हैं, लेकिन 23-24 भी बोल रहे हैं। कुछ लोग 23-24 बोल रहे हैं और कुछ लोग 2021 बोल रहे हैं। जिन लोगों ने 2021 बोला, जिन लोगों ने 2021
2021 बोला दे ऑल आर इडियट्स, जिनको समझ में नहीं आया, जिन्होंने 23-24 बोला दे ऑल आर जीनियस। एक बात बताओ, हमेशा एनहांस कंपनसेशन कब टैक्सेबल होता है? एज एंड व्हेन रिसीव, मतलब जब जब मिलेगा तब तक टैक्सेबल होगा। एक्सेप्शन एक ही था, क्या इंट्रिम ऑर्डर की वजह से कुछ मिला तो दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड। इंट्रिम ऑर्डर की वजह से कुछ मिला तो दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड। जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर बनेगा उस ईयर में मिलेगा, टैक्सेबल होगा, वो सिर्फ इंट्रिम ऑर्डर की वजह से मिला। तो एक बात बताओ, ये जो 5 लाख आपको जो मिल रहा है, ये वाला 5 लाख, एक बात बताओ ये 5 लाख कौन से ऑर्डर की वजह से मिल रहा है, इंट्रिम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर? ये तो फाइनल ऑर्डर की वजह से मिल रहा है ना, तो फाइनल ऑर्डर की वजह से मिल रहा है तो एज एंड व्हेन रिसीव, जैसा अपन ने पहले पढ़ा था। सिर्फ इंट्रीम ऑर्डर की वजह से आपको कुछ मिला तो दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, यस और नो? यस, चलो। सो फटाफट इसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद यू हैव द 15 मिनट्स का ब्रेक, और ब्रेक के बाद अपन आगे कुछ पढ़ना चालू करेंगे।